अनजाना बच्चा। दिल्ली शहर के कनॉट प्लेस में स्थित मित्तल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कॉरपोरेट ऑफिस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक था और इस बिल्डिंग की ऊंचाई आकाश को छूती नजर आ रही थी। कनॉट प्लेस दिल्ली के सबसे महंगे कमर्शियल एरियाज में से है। उसी बिल्डिंग के नीचे मौजूद सभी एम्प्लॉयज अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक चमकदार और बेहद महंगी स्पोर्ट्स कार ने बिल्डिंग में एंटर किया। कार बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। उस कार का गेट जैसे ही ऊपर की तरफ खुला, उसमें से बाहर निकलते हुए पैर महंगे लेदर डिजाइनर शूज और लग्जरी फैब्रिक सूट में ढके हुए थे। वहां खड़े लोग बस उन पैरों को ही घूरते जा रहे थे और वो पैर जमीन के रास्ते लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो शख्स जब कार से बाहर निकला तो लोग उसे बस देखते ही रह गए। उसका शरीर काफी फिट लग रहा था, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बिखरी हुई थी। उस शख्स ने कार से उतरने के बाद अपने चारों तरफ जहां भी नजर घुमाई तो पाया कि सभी ने उसके रिस्पेक्ट में अपना सिर झुका रखा है। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर आई। वेलकम मिस्टर संजय मित्तल। लाइन में खड़े हुए एम्प्लॉयज ने एक साथ उस शख्स का वेलकम किया। संजय ने अपना एक हाथ सूट की पॉकेट में डाल रखा था। उसके लहराते बालों से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। सबको ग्रीट करने के बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। सब कुछ एकदम सही लग रहा था कि अचानक डैडी, भीड़ में से एक मासूम और प्यारी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, जिसने उसके कदम वहीं रोक दिए। न जाने अचानक ही उस भीड़ में से ये छोटी सी बच्ची कहां से आई। नन्हे कदमों से उसकी ओर आती हुई वो एक प्यारी बच्ची थी, जिसकी एज 2 साल से ज्यादा नहीं थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो प्यारी सी बच्ची अपने छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़ते हुए अब संजय मित्तल के सामने पहुंच चुकी थी। डैडी, डैडी, डैडी। तभी उस बच्चे की तेज और कर्कश सी आवाज भीड़ में शांत खड़े हर शख्स के कानों में सुनाई पड़ी। डैडी। इस एक तुतलाती शब्द ने जैसे छोटी सी बच्ची की तरफ सबको आकर्षित कर दिया था। वहां मौजूद लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि संजय मित्तल का किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं था, फिर अचानक ये बच्ची कहां से पैदा हो गई। और इतने बड़े बिजनेस टाइकून संजय मित्तल, जिसके पास अपने बिजनेस के अलावा एक सेकंड भी टाइम नहीं रहता था, आखिर वो उसका पिता कैसे हो सकता था। छोड़ो मुझे, जाने दो, मिस्टर संजय ने कहा। वो छोटी बच्ची अब उसके दाहिने पैर से लिपट चुकी थी। संजय ने अपने पैर से लिपटी उस बच्चे की तरफ देखा। हालांकि संजय को खुद पर इतना ट्रस्ट तो था ही कि आज तक वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा ही नहीं, तो ये बेबी होना तो नामुमकिन ही था। संजय के आसपास मौजूद बॉडीगार्ड्स ने हरकत की और वो उस नन्ही बच्ची को उसे अलग करने लगे। लेकिन जैसे ही बॉडीगार्ड ने बच्ची को टच करना चाहा कि तभी उनकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उनके हाथ जैसे हवा में ही बर्फ की तरह जम गए। ओह बेबी आयुषी, संजय मित्तल। बॉडीगार्ड्स ने बच्ची के ड्रेस पर लगे एक पर्ची को देखते हुए एक एक शब्द को पढ़ते हुए कहा। और कब उस बॉडीगार्ड की आवाज भीड़ तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। वाह बेबी संजय सर की। भीड़ से लोगों के खुसफुसाने की आवाजें आने लगी और भीड़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी बच्ची बुरी तरह से रोने लगी। लगा जैसे अब शायद वो जान चुकी थी कि वो भीड़ में गुम हो चुकी है। उसने जब भीड़ की तरफ एक नजर देखा तो उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बहने लगे। वहां मौजूद भीड़ ने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में किया हुआ था। जाने क्यों भीड़ के चेहरे मिस्टर संजय मित्तल के गुस्सेल चेहरे की तरह ही नजर आ रहे थे। हालांकि इधर हवा में ही बर्फ की तरह जमे हुए बॉडीगार्ड इसलिए नहीं हैरान थे कि उस बच्ची के चेहरे की विशेषताएं मिस्टर संजय मित्तल से मेल खा रही थी, बल्कि उसकी वजह कुछ और ही थी। दरअसल उसका कारण था बच्ची के ड्रेस पर चिपका हुआ वो कागज का टुकड़ा।
एक कागज का टुकड़ा सामने की तरफ लटका रखा था। सर, एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट इस बच्ची के साथ अटैच्ड है, कहकर बॉडीगार्ड ने ध्यान से उस कागज को संजय मित्तल को हैंडओवर किया। संजय मित्तल ने ध्यान से जब उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ा तो उसकी आंखें और ज्यादा फैल गई। कागज के उस टुकड़े पर उसका हाथ कसता चला गया। इस जगह को सील कर दो एंड फाइंड द मदर ऑफ दिस चाइल्ड राइट नाउ। संजय मित्तल बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर अपने ऑफिस में था। ऑफिस के कमरे में काफी डिसेंट सा ब्लैक एंड व्हाइट फर्नीचर नजर आ रहा था। अपनी घूमने वाली चेयर पर संजय अपनी ही जगह बार बार घूम रहा था। कमरे में खड़े बॉडीगार्ड्स में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई अपना सिर ऊपर कर सके। सर, हमने आसपास सब जगह देखा और लोगों से पूछताछ की, किसी को नहीं पता अचानक से ये बच्ची कहां से आई। यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्ची वाकई जादू से वहां पहुंची थी, क्योंकि इतनी सर्च के बाद भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई सबूत नहीं मिला? What the hell is going on? संजय मित्तल की आवाज इतनी तेज थी कि मजाल है कमरे में कोई चीज अपनी जगह से हिली डुली हो। अगले ही पल संजय मित्तल ने अपना राइट हैंड उठाया और कागज में लिखी उस डीएनए रिपोर्ट को टेबल पर फेंक दिया और गांच को घूरते हुए देखा। अब इतनी छोटी बच्ची तो वाकई अपने आप चलकर यहां तक नहीं आ सकती थी। बाय द वे, सर, हमने ये डीएनए रिपोर्ट भी चेक करवाई और उन्होंने भी इस डीएनए रिपोर्ट के असली होने की पुष्टि की है। तो वाकई डॉल की तरह दिखने वाली वो बच्ची संजय मित्तल की ही बेटी थी। उस कमरे में भयानक शांति थी, कुछ ऐसी जैसे किसी तूफान के ठीक पहले होती है। उस तूफान का डर सिर्फ उन एक जोड़ी मासूम आंखों को शायद नहीं था, जो बड़ी ही क्यूट तरह से कमरे में मौजूद हर शख्स को अपनी आंखें इधर उधर मटका कर देख रही थी। 2 साल की वो बच्ची बड़ी ही प्यारी सी थी, जो अब संजय मित्तल की तरफ देखते हुए उसकी तरफ डगमगाते नन्हे कदमों से बढ़ रही थी। उसकी मासूम नजरें जैसे ही संजय मित्तल से टकराई, उसने अपने छोटे छोटे लिप्स को आपस में जोड़ते हुए मासूमियत से कहा, डैडी। संजय मित्तल के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसे लगा अचानक उसके सीने में कोई गहरा दर्द उभर आया हो। जाने क्यों उसे अपनी बॉडी में अजीब सा करंट फील होने लगा। उसने जब उस मासूम चेहरे को देखा तो पाया वो उसके चेहरे से मिलता हुआ लग रहा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और उसके मन में फिर वही अजीब सा सवाल उभरने लगा, आखिर ये बच्ची कौन है और आखिर ये यहाँ आई कैसे? अपने दिमाग में आते हुए कई इमोशंस को रोकते हुए उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसके सीने की तरफ उसे महसूस हुआ कि प्यारा सा घुंघराली बालों वाला सिर उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर लगा शायद उसे कुछ चाहिए था। डैडी, तुम, बच्चे के मुंह से आवाज निकाली। संजय मित्तल को अपनी बॉडी जैसे बर्फ की तरह जमता हुआ महसूस होने लगा। जाने क्यों अगले ही पल उसने नीचे की तरफ झुककर देखा। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करता, उसने देखा कि वो मासूम सी बच्ची अब उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बार बार उसकी उंगलियों को काटने की कोशिश कर रही थी। आउच! 2 साल बाद। ड्राइवर, यही हॉस्पिटल के पास ही रोक दो। कार रुकी तो अर्पिता कार से बाहर निकली और धीमे कदमों से चलते हुए वो रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ी। उसने हाथ में एक केक पकड़ा हुआ था जो खुद उसने ही बनाया था। हाय, आई एम लुकिंग फॉर डॉक्टर अभिषेक फ्रॉम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। एक्सक्यूज मी, प्लीज रास्ता दीजिए, सामने से हटिए प्लीज। तभी हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस से कुछ लोग बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। व्हाट हैपेंड? एक रोड एक्सीडेंट का केस है, कुछ लोगों ने जैसे तैसे घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। इमरजेंसी केस है, सबकी हालत खराब है, सबसे बुरी हालत तो एक छोटी सी बच्ची की है।
एम्बुलेंस से निकले पहले डॉक्टर ने वहां खड़े नर्सेस को सिचुएशन समझाया। एक्सीडेंट के बारे में सुनकर अर्पिता का सर चकराने लगा। एक 4 साल की बेबी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसने व्हाइट कलर का सुंदर सा ड्रेस पहन रखा था, जिस पर अब ढेर सारा खून लगा हुआ था। उस मासूम बच्ची का चेहरा जैसे किसी सफेद कागज की तरह और उसका शरीर किसी बॉल की तरह गोल मुड़ा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि अर्पिता अभी तक उस बच्चे की पूरी कंडीशन देख भी नहीं पाई थी कि उसके सीने में एक अजीब सा पेन हो रहा था। वो वहीं एक चेयर पर अपना सर हाथों से ढककर बैठ गई। इस बच्ची का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ये ब्लड अवेलेबल नहीं है। क्या यहाँ पर किसी का ब्लड AB नेगेटिव है? प्लीज हेल्प द चाइल्ड, अचानक भीड़ में से किसी ने निकल कर कहा। उसके फेस के एक्सप्रेशन से ये साफ जाहिर था कि ब्लड की इमीडिएट जरूरत थी। हमारे पास समय कम है, इतनी जल्दी ब्लड का इंतजाम कैसे होगा? ऐसे इसे नहीं मरने दे सकते, हमारे पास वेस्ट करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं है, कुछ डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। अर्पिता अचानक से अपनी जगह खड़ी हुई। उसकी आंखों के सामने अब भी वो दर्द भरा चेहरा नजर आ रहा था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी आंखों से देखा था। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मेरा ब्लड AB नेगेटिव है, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? कुछ देर बाद नर्स ने अर्पिता का ब्लड चेकअप किया और उसने एक छोटी सी नीडल उसकी दाहिने हाथ की वेन में इंसर्ट किया। ब्लड डोनेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट किया गया। थोड़ी देर बाद नर्स ने अर्पिता की बांह से नीडल निकालते हुए कहा, मिस अर्पिता, ब्लड डोनेट के बाद आप थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही कहीं जाएं। जी जरूर, वैसे वो छोटी बच्ची कैसी है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ एक बार? अर्पिता ने कॉटन का टुकड़ा वेन में दबाते हुए पूछा। नर्स ने अर्पिता की तरफ अजीब तरह से देखकर कहा, उसके लिए पेशेंट की फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी। नर्स बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, उसे बस इतना ही पता था कि वो कोई मामूली बच्ची नहीं थी, क्योंकि जब बच्चे को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया तो उसके साथ 3 से 4 बॉडीगार्ड्स भी थे जो अभी ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े थे। बाय द वे मिस अर्पिता, ये आपका है, नर्स ने केक को बेड के बगल में रखते हुए कहा। अर्पिता की नजर जैसे ही केक पर पड़ी, उसे अचानक से याद आया कि आखिर वो यहाँ आई क्यों थी। ओह नो, उसने आंखों को कसकर बंद करते हुए कहा। वो अगले ही पल उठी और उसने अपने राइट हैंड से अपने सर पर हल्की चपेट मारकर खुद को जैसे नींद से जगाया। उसने जल्दी से केक उठाया और कमरे से बाहर की तरफ भागी। ब्लड डोनेशन रूम से वो बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ अभी तेजी से भाग ही रही थी कि वो किसी से टकराई। वो कोई लंबा चौड़ा सा आदमी था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या अपने पैरों को संभाल पाती, हड़बड़ाहट में गिरने से बचने के लिए वो जो पकड़ सकती थी उसने पकड़ा। उस आदमी का शर्ट पकड़कर अर्पिता ने अपने आप को गिरने से बचने की कोशिश की। चर्र, शर्ट के फटने की आवाज आई। अर्पिता धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, पर साथ में वो शख्स भी उसके ऊपर था। दोनों अब हॉस्पिटल के फ्लोर पर थे। अगले ही पल उस शख्स के लिप्स अर्पिता के पिंक एंड सॉफ्ट लिप्स से टकराए। उसकी सांसें अर्पिता के सांसों से टकराई, उसका चेहरा उसके चेहरे से टकराया, और अर्पिता के कुछ समझ पाने से पहले ही उसका पहला किस हो चुका था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। संजय मित्तल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होगा। उसे क्या पता था वो अपने बेटे को देखने से पहले ऐसे किसी इंसान से टकरा जाएगा। उसका चेहरा भी ब्लैंक हो चुका था। अगले ही पल उसने अपने लिप्स को अर्पिता के लिप्स से हटाया और हड़बड़ाकर उड़ गया। उड़ते ही वो अपने हाथों से अपनी ड्रेस को झाड़ने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। सर आप ठीक तो हैं? पीछे से आते हुए एक आदमी ने पूछा। दरअसल वो संजय मित्तल का असिस्टेंट था जिसने अभी अभी अपने बॉस को एक लड़की के ऊपर गिरते हुए देखा था, और ये भी कि उसके बॉस जो लड़कियों को पास भी नहीं फटकने देते, और अभी भी उस लड़की ने उसके बॉस को किस भी किया था। हेलो मिस्टर, नीचे तो वो लड़की गिरी थी, तो तुम्हारे बॉस को कैसे चोट लगी? हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत ने संजय के
असिस्टेंट को कहा। सिचुएशन को संभालते हुए अर्पिता ने उठकर अपने चकराते हुए सिर को संभाला, लेकिन अर्पिता को कुछ देर बाद समझ आया कि उसके हाथ तो खाली हैं। इस बात से वो शॉक में आ गई। उसने अपने इधर उधर देखा, उसका लाया हुआ केक फर्श पर बिखरा पड़ा था। माय केक! अपने इतने प्यार से लाए हुए केक को फर्श पर पड़ा देखकर अर्पिता को बुरा लगने लगा और वो उसे समेटने में लग गई। इतनी बुरी तरीके से गिरकर उसके केक ने अपनी पहचान ही खो दी थी। बस दिखाई पड़ रहा था तो उस केक का बिखरा हुआ ब्रेड और क्रीम। अर्पिता ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे उससे टकराया हुआ आदमी जाते हुए दिखाई देने लगा। हेलो मिस्टर, वेट अ मिनट! अर्पिता ने गुस्से में अपने गिरे हुए केक को छोड़कर जाते हुए उस आदमी को रोकने के लिए भागी। अगर वो उससे नहीं टकराता तो वो नहीं गिरती, और अब बिना कुछ कहे वो जा रहा था। जब अर्पिता उस आदमी के सामने पहुंची तो उसे देखकर थोड़ी चौंक गई। हैंडसम, शायद हैंडसम शब्द भी उस आदमी की सुंदरता को सही लफ्जों में बयां नहीं कर पाता, मगर उस आदमी का एटीट्यूड काफी रूड था। काफी चिड़चिड़ाहट वाली वाइब दे रहा था वो। जब उस आदमी ने अर्पिता की तरफ देखा, अर्पिता ने अपने शरीर पर रोंगटे खड़े हुए महसूस कर सकती थी। अगले ही पल अर्पिता उसे अपने बॉस से जाते हुए देख रही थी। एक्सक्यूज मी बहन जी, हमारे बॉस फिलहाल के लिए थोड़े बिजी हैं। आपके नुकसान के लिए कितने पैसे भरने हैं आप मुझे बता दीजिए। संजय का असिस्टेंट जान चुका था कि उसके बॉस फिलहाल अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए वो हालात को संभालने लगा। जब से संजय को पता लगा था कि उसकी बेटी का कार से एक्सीडेंट हो गया है, वो वैसे ही हॉस्पिटल की ओर तेजी से रवाना हुआ। संजय के असिस्टेंट को डर था कि वो इस गुस्से में किसी का खून न कर दे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वो आकर मुझसे माफी मांगे। अर्पिता ने उसके पीछे से जाते हुए उस आदमी को पुकारा। उसकी आवाज सुनकर वो अपनी जगह रुक गया, लेकिन बिना कुछ कहे वो वापस चलने लगा। बहन जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, साथ ही ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर कभी आपका नुकसान भरपाई के सिलसिले में मन बदलता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। असिस्टेंट अर्पिता के हाथ में वो कार्ड थमाते हुए जल्दी ही संजय की तरफ भागा। जब वे लोग ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, ऑपरेट करने वाली लाइट शुरू हो गई। बॉस, आपकी शर्ट फट चुकी है, क्या आप दूसरे कपड़े पहनना चाहेंगे? असिस्टेंट ने उस फटे हुए शर्ट की ओर इशारा करते हुए बड़ी सावधानी से अपने बॉस से पूछा। वो अपने बॉस को कई सालों से जानता था, पर यह पहली बार था कि वो अपने बॉस को ऐसी हालत में देख रहा था। उसकी शर्ट फट चुकी थी, शर्ट के बटन निकल चुके थे और उसकी पैंट पर केक के दाग लगे हुए थे। उस औरत का सोचते हुए जिसने उसके बॉस से माफी की डिमांड रखी थी, असिस्टेंट के पसीने छूट गए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। संजय की आंखें अभी भी ऑपरेशन थिएटर के उस लाइट पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वो लाइट बंद हुई। बच्चे भी खतरे से बाहर है, फिलहाल वो बेहोशी में है, कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर ने अपने चेहरे पर से मास्क उतारा और वो खुशखबरी उन्हें सुनाई। मुझे कहना पड़ेगा, ये बच्ची बहुत किस्मत वाली है। हमारे हॉस्पिटल में एबी नेगेटिव ब्लड अवेलेबल ही नहीं था, पर शुक्र है उस भली औरत का जिसने समय पर आकर इस बच्ची के लिए अपना ब्लड डोनेट किया, और उसी वजह से ये बच्ची आज हमारे सामने सही सलामत है। संजय बड़े आश्चर्य के साथ डॉक्टर की बातों को सुन रहा था। उसने अपनी असिस्टेंट की ओर देखा। उस औरत ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। संजय ने असिस्टेंट को संजय के इरादे पता चल गए थे और वो जल्दी से ब्लड डोनेशन के लिए जाने वाले रूम की ओर भागा, मगर वो जल्द ही वापस आ गया। बॉस, नर्स ने बताया कि वो औरत जा चुकी है। जा चुकी है? संजय मित्तल असिस्टेंट को कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसकी बेटी को लाया जा रहा है। वो जल्दी से उसके पास गया। अर्पिता जमीन से सटकर खड़े हुए दीवार की ओर टकटकी लगाए सोच रही थी। उसने अपने हाथ में पड़े बिजनेस कार्ड की ओर देखा और उसे गुस्सा आने लगा। जैसे ही वो उस बिजनेस कार्ड को कचरे के डिब्बे में फेंकने वाली थी, उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने उस कार्ड को जेब में रख लिया। फिर वो लिफ्ट के पास चली गई।
जब वो एक ऑफिस के रूम के पास पहुंची, जोर से दरवाजा खोलते हुए वो सीधा अंदर चली गई। उसके चेहरे पर दयनीय से भाव थे। हे डार्लिंग, आई एम वेरी सॉरी, पर तुम्हारा केक मुझसे बर्बाद हो गया, लेकिन तुम्हें मैं मिल तो रही हूं ना शादी में। इससे पहले कि अर्पिता अपनी बात खत्म कर पाती, एक आदमी ने कोई एप्लीकेशन लेटर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने वो लेटर जल्दी से ले लिया। ये क्या है? मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है। जॉब की सारी डिटेल इस लेटर में है। क्या तुम्हें कल के इंटरव्यू के लिए कोई सवाल पूछना है? एक नौजवान कम उम्र की औरत अर्पिता को देखकर उसे बताने लगी। प्रिया अर्पिता की बेस्ट फ्रेंड थी और साथ ही साथ उसकी सबसे बड़ी क्रेडिटर भी थी। पिछले कुछ सालों में प्रिया ने न सिर्फ अपनी चीजों को कुर्बान किया, बल्कि अर्पिता के लिए उसके कुछ कर्ज भी चुकाए। अर्पिता फिलहाल सिर्फ पैसे कमाना चाहती थी, जिससे वो प्रिया के कर्ज को चुका सके। कोई बात नहीं प्रिया, अर्पिता ने उस एप्लीकेशन लेटर को अपने हाथ में रखा। अपनी चमकती हुई आंखों से प्रिया को कहा, पर तुम्हारे बर्थडे केक का क्या? क्या अभी किसी ने नहीं कहा कि वो शादी में खुद को दे देगी? मुझे अभी याद आया कि जिसने तुम्हारा बर्थडे केक बर्बाद किया, उस आदमी ने अपना बिजनेस कार्ड मुझे दिया है। क्या वो शादी के लिए परफेक्ट इंसान नहीं रहेगा? अर्पिता ने अपने बैग से निकालते हुए वो बिजनेस कार्ड प्रिया के डेस्क पर रखा। अर्पिता प्रिया की ओर झुकी और प्रिया को गाल पर एक किस देते हुए कहने लगी, हे डार्लिंग, मुझे अभी अपनी इंटरव्यू की तैयारी करने जाना है, हैप्पी बर्थडे। और फिर वो रूम से चली गई। अर्पिता अपने उस इंटरव्यू के लिए बड़ी ही लगन से तैयारी की और अगले ही दिन वो सुबह जल्दी निकल गई। जब उसने फॉर्म पर दिए हुए एड्रेस पर पहुंचकर गाड़ी लगाई, तो वो थोड़ी देर के लिए किसी ख्याल में पड़ गई। मित्तल हाउस ठीक उसके सामने था, जिसका आंगन किसी बगीचे से कम ना था। मित्तल परिवार दिल्ली के सबसे मशहूर परिवारों में से एक था। उस घर का बाहरी रूप ही किसी को उस घर के लिए आदर और डर दिलाने के लिए काफी था। ऊपर से घर के मेन गेट पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई दिखाई दे रही थी। वो सिचुएशन किसी नर्स के इंटरव्यू की नहीं, बल्कि किसी राजा का स्वयंवर हो रहा हो ऐसी दिखाई पड़ रही थी। अर्पिता ने इंटरव्यू के लिए आने से पहले इंटरव्यूअर पर सारी रिसर्च कर ली थी। संजय मित्तल पूरे दिल्ली शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। वो कुंवारा था, मगर उसकी 4 साल की एक बेटी थी, घमंडी, अट्रैक्टिव। उसने तो ये भी सुना था कि ये यंग बॉस बहुत ही हैंडसम शख्स है। इंटरनेट पर ये सारे कमेंट पढ़ते हुए जब अर्पिता अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके मन में कल वाले उस रूड इंसान का ख्याल आया, जिसने उसकी फर्स्ट किस चुरा ली थी। वो सोचने लगी, कल वाले उस आदमी और संजय मित्तल में से सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? जिन जिन लोगों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, वो मेरे पीछे आए। ये कहते हुए उस घर के नौकर ने सबका बायोडेटा लिया और घर के अंदर जाने लगा। वो नौकर अभी घर के अंदर जाने ही लगा था कि उसके कदम वहीं रुक गए। जल्दी से वहां मौजूद सारे लोग रुक गए और मेन गेट की तरफ आदर भरी नजरों से देखने लगे। अगले ही पल वहां एक चमकदार स्पोर्ट्स कार दाखिल हुई। बॉस, सबका यूं एक साथ सर झुका के रुक जाना उस इंसान के लिए सबकी इज्जत को दर्शा रहा था। फिर वो कार अंदर चली गई। तुम अभी तक वहीं क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। नौकर की इस आवाज ने अर्पिता को अपने ख्यालों से बाहर निकाला। उसे समझ आया कि वो अपने ग्रुप से काफी पीछे छूट चुकी है और पीछे खड़े बॉडीगार्ड इसी बात से चिढ़ रहे हैं। अभी वो इसी सोच में थी कि कार में साइड से दिखी किसी इंसान की छवि उसे जानी पहचानी हुई सी लग रही थी। क्या अर्पिता की आंखें उसके साथ कोई खेल खेल रही थी, या ये बस उसका वहम था? मित्तल हाउस में वाकई में अर्पिता कल मिले उस घमंडी इंसान से टकरा चुकी थी। मित्तल हाउस के आलिशान हॉल के सामने नौकर सभी लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, जो नर्स की पोजीशन के लिए आखिरी राउंड तक आ चुके थे। तभी अचानक से एक चौंका देने वाली आवाज आई, अर्पिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्पिता ने ऊपर अपनी नजरों को कसते हुए देखा, क्योंकि वो चेहरा पहचाना हुआ सा लग रहा था। कहना मत कि तुम भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हो, साक्षी ने हाथ फोल्ड करके बड़े एटीट्यूड के साथ अर्पिता को कहा। तुम सिर्फ एक आधी अधूरी नर्स हो,
तुम्हारे पास उस लिटिल प्रिंसेस का ध्यान रखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? अर्पिता साक्षी की ये बात सुनकर काफी बेचैन हो गई। उसने वो नर्सिंग कोर्स साल के बीच में ज्वाइन किया था और साक्षी उसकी क्लासमेट थी, जो कि उस क्लास की टॉपर भी थी। अर्पिता, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे कम्पीट करो। यहाँ सबको पता है कि साक्षी सबसे बेस्ट है। अच्छा होगा तुम अभी यहाँ से चली जाओ। बड़े अहंकार और गुस्से में साक्षी उससे ये कहते हुए चली गई। जब से अर्पिता ने वो नर्सिंग क्लास ज्वाइन की थी, तब से साक्षी ने क्लास की सबसे सुंदर लड़की होने का खिताब खो दिया था। इसी वजह से उसे अर्पिता के लिए हीन भावना थी। कैसे लड़की सिवाय अपनी सुंदरता के उसे सेम लेवल पर उसे मैच कर सकती है? देखिए सर, साक्षी यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, नौकर ने घर के मैनेजर से कहा। अपना नाम सुनकर साक्षी अपनी जगह से सर उठाकर खड़ी हो गई। उसे पूरा विश्वास था कि वो इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। उसकी सुंदर और अभिमानी इमेज उसके सुंदर चेहरे के साथ उसकी प्रोफेशनलिज्म को साफ झलका रही थी। हाँ, कोई बुरी बात तो नहीं है, मैनेजर ने अपना सर हिलाते हुए नौकर को कहा। लिटिल प्रिंसेस बॉस के आंखों का तारा थी। उसे कुछ भी होता तो बॉस पूरे घर को सर पर उठा लेते। इसलिए लिटिल प्रिंसेस के लिए सिलेक्ट होने वाली नर्स सबसे बेस्ट होनी चाहिए थी। अगर लिटिल प्रिंसेस की नर्स को लेकर कुछ भी गड़बड़ होती तो पूरा स्टाफ मुश्किल में पड़ जाता। इस समय तक साक्षी को पूरी तरीके से लगने लगा था कि जीत उसकी ही होनी है। खुशी में झूमते हुए उसने अर्पिता को बड़े घमंड के साथ कहा, अर्पिता यही भला होगा कि तुम अभी खुद से ही गिव अप कर दो। तुम तो जानती हो यहाँ सबसे बेस्ट कौन है, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा फील होगा। अर्पिता को साक्षी की इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसने नौकर को वहां से उठते हुए देखा। यहाँ तक कि वहां खड़े बाकी नौकर भी बड़ी जल्दी में उठने लगे। ये सीन तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अगले ही पल एक बड़ी इंसान की छवि आंखों के सामने चलकर आने लगी। गहरी और बड़ी आंखें, चेहरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली नाक, ऊंची हाइट, मस्कुलर बॉडी, पतले और लाल होंठ, जो कि एक रहस्यमय स्माइल का शेप बना रहे थे। वो सिंपल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए था, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जोश से भरा हुआ। उसका लुक काफी इन्फ्लुएंशियल था। एक परफेक्ट चेहरा जो कभी कोई देख ले तो कभी उसकी नजरें उस चेहरे को भूल ना पाए। अर्पिता उस समय तक दंग रह चुकी थी अपनी और उस आदमी को आता देख। अर्पिता की आंखें मानो अब उसके चेहरे से बाहर ही निकल आती। उसकी आंखें उसके साथ कोई खेल नहीं खेल रही थी, बल्कि ये तो सच था। ये तो वाकई में वही आदमी था जो कल उससे हॉस्पिटल में टकराया था और जिसके साथ अर्पिता की फर्स्ट किस भी हुई थी। वही रूड आदमी जो बिना माफी मांगे कल अर्पिता को इग्नोर करते हुए चला गया था। ये नहीं हो सकता, ये यहाँ क्या कर रहा है? बॉस, नौकर को उस इंसान को बॉस कहकर पुकारना अर्पिता के लिए किसी झटके से कम ना था। अब तक वो ये समझ चुकी थी कि संजय मित्तल ही इन लोगों का बॉस है। बॉस, ये तो संजय मित्तल है। वही बड़ा आदमी जो उसका इंटरव्यू लेने वाला था। अर्पिता ने कल हुए उस इंसान के साथ अपने छोटे से तनाव को याद किया और भीड़ में खुद को छुपाने लगी कि किसी तरह वो वहां से निकल सके। इतनी बड़ी तकरार होने के बाद वो कैसे उस इंटरव्यू को क्लियर कर सकती थी? उसे पक्का भरोसा था कि वो इस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाती। अगर उसे कल पता होता कि इंटरव्यू लेने वाला ही संजय मित्तल है तो वो जल्दी से अपना केक उठाकर उसकी नजरों में आने से पहले वहां से निकल जाती। उसकी जगह वो सेंसिबल होकर उस टकराव को गलती समझकर जाने देती। मेरा आपकी ओर ध्यान नहीं था, इसलिए मेरा गिरना तो तय था। मैं माफी चाहती हूँ, आप जाइए। ये कहकर वो आगे बढ़ सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्पिता को अपने दिल में पछतावा महसूस हो रहा था। प्रिया ने पहले ही उसके लिए डेथ ऑर्डर जारी कर दिया था। अगर वो नौकरी ना कर पाती तो प्रिया काफी नाराज हो जाती। वो कुछ भी करके प्रिया के कर्ज चुकाना चाहती थी। अब तो बस वो यही उम्मीद कर सकती थी कि संजय मित्तल उसके पास से गुजरा है और उसने उसकी तरफ देखा नहीं है, या उसका ध्यान उसकी तरफ गया नहीं है।
बिल्कुल सही, संजय मित्तल मित्तल कंपनी का एकमात्र चेयरमैन था, तो फिर क्यों एक छोटे से नर्स की इंटरव्यू के लिए वो इतना परेशान होता? शायद वो बस वहां से गुजर रहा होगा। अर्पिता अपने मन ही मन भगवान को याद करने लगी थी। वो कैसे भी करके इस इंटरव्यू को क्लियर करना चाहती थी। उस आदमी को देखने लगी जो हॉल के अंदर एंटर कर रहा था। जैसे ही उसे लगा कि संजय मित्तल अब हॉल के अंदर एंटर कर रहा है, वैसे ही उसने अपने कदम मोड़ लिए और वो नौकर की ओर जाने लगा। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? बॉस, ये सब लोग लिटिल प्रिंसेस की नर्स के इंटरव्यू के लिए आए हैं, नौकर ने सिर झुकाते हुए संजय मित्तल को कहा। वो नर्स जो उसकी लिटिल प्रिंसेस का ध्यान रखेगी। संजय मित्तल ने अपनी आंखें कसी और मुड़कर वो हॉल के एंट्रेंस की तरफ जाने लगा। उसकी पतले लाल होंठ कहने लगे, क्या तुमने अभी तक किसी को सिलेक्ट किया है? बस दो लोग हैं जो अच्छे हैं, एक का नाम साक्षी है और दूसरी का नाम अर्पिता। उनके क्वालिफिकेशन काफी अच्छे हैं और उनका नॉलेज भी अच्छा है। बॉस, आप खुद ही उनका इंटरव्यू लेकर क्यों नहीं तय करते? नौकर ने उन दोनों लड़कियों का बायोडेटा संजय मित्तल को दिया और उनकी तरफ इशारा किया। जैसे ही साक्षी ने अपना नाम वहां सुना, वैसे ही वो सामने की ओर चली गई। सर को ऊपर उठाए वो सामने की ओर देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो संजय मित्तल की नजरों से गायब हो। जब संजय मित्तल ने अपनी नजरें साक्षी की ओर की, वहां मौजूद सारी लड़कियां जलन के मारे फुसफुसाने लगी। ये दिल्ली शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था, संजय मित्तल। अपना चेहरा संजय मित्तल को दिखाने के पहले खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि ये इंटरव्यू यादगार हो। अर्पिता ने देखा कि संजय मित्तल अब जा ही चुका था कि वो वापस मुड़ा। उस पल में अर्पिता का दिल निराशा से डूब गया। फिर जब उसने सुना कि नौकर ने संजय मित्तल से रिक्वेस्ट किया है कि वो साक्षी और अर्पिता में से किसी एक को चुने, उसे अपने सपने मिट्टी में मिलते हुए दिखने लगे। अब बेस्ट तरीका यही था कि वो अपना चेहरा छुपाए रखे, जिससे 50% चांसेस बनते थे कि उसे ये जॉब मिल जाएगी। यही सोचकर ना अर्पिता आगे बढ़ी। उसने अपने आप को भीड़ में छुपा लिया और अपना चेहरा ना दिखाने की जद्दोजहद करने लगी। साथ ही आई कांटेक्ट भी अवॉइड करने लगी। अर्पिता, अर्पिता। नौकर ने कोई रिस्पांस ना आने पर वापस अर्पिता का नाम लिया। बॉस, तुमसे मिलना चाहते हैं। वहां क्यों सपने देखते हुए खड़ी हो? चलो जल्दी आओ। अर्पिता भी छुपने की ही तरीके ढूंढ रही थी, लेकिन उसके सामने खड़े लोगों ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसके लिए रास्ता बना दिया, जिससे उसे आगे जाना ही पड़ा। जब उसे अपने हॉल के अंदर होने का होश आया, उसने देखा कि वही गहरी आंखें उसे देख रही थी। वो सामने ही मौत आने वाली सिचुएशन को खड़ा देख अर्पिता को बहुत बुरा लगने लगा। वो अपने मन ही मन में शांत रहने की कोशिश कर रही थी। वो डर के मारे कांप भी रही थी। उसे अगले पल होने वाली ह्यूमिलिएशन के बारे में सोच सोच कर चिंता होने लगी थी। वो जान चुकी थी कि संजय मित्तल उसे पहचान चुका है। उसका आउटफिट आज काफी सिंपल था, ना कि कल जैसे टी शर्ट और जीन्स पहने हुए। और तो और, उसने काफी सिंपल मेकअप कर रखा था अपने प्रोफेशनलिज्म को दिखाने के लिए। वो शायद तो अब तक कल के टकराव के बाद उसे भूल भी चुका होगा। बॉस, ये अर्पिता है। इत्तेफाक से साक्षी और अर्पिता एक ही नर्सिंग कॉलेज से हैं। संजय मित्तल को अर्पिता की ओर रहस्यपूर्ण तरीके से देखते हुए देखकर नौकर ने जल्दी से सारी डिटेल उसे बताई। ओ रियली? संजय मित्तल ने काफी अजीब तरीके से कहा। वो अर्पिता की ओर काफी अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे कि कोई लेजर मशीन किसी चीज को स्कैन कर रही हो। सिवाय अर्पिता के कोई संजय मित्तल द्वारा कहे गए वह दो शब्द को समझ नहीं पा रहा था। उसने अर्पिता को पहचान लिया था। डैम! उसने अभी अभी उसी इंसान को इंटरव्यू दिया जिसे कल वो टकराई थी। उसके लिए इस बार सब कुछ खत्म हो चुका था। मगर अर्पिता ही वहां पर सिर्फ एक बेचैन इंसान नहीं थी। कुछ देर पहले जीत को अपनी ओर आता देख जो साक्षी खुशी के मारे झूम रही थी, अब वो संजय मित्तल को अर्पिता की ओर देखते हुए काफी बेचैन हो रही थी। वो जल्दी ही पैनिक होने लगी
अर्पिता की सुंदरता काफी लड़कों को उसका दीवाना बना देती थी और ये बात साक्षी को पता थी। उसे डर था कि कहीं संजय मित्तल का दिल भी अर्पिता पर ना आ जाए, लेकिन इतनी मुश्किल से आखिरी राउंड पर पहुंचकर वो खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। वो कतई ये इंटरव्यू अर्पिता से हारना नहीं चाहती थी और स्पेशली यहाँ संजय मित्तल के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी मुट्ठी कसते हुए उसने बड़े गुस्से में संजय मित्तल से कहा, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। हम भले एक ही कॉलेज से आते हैं लेकिन हमें बिल्कुल भी समानता नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? नौकर ने ये चौंका देने वाली बात सुनकर साक्षी से पूछा। संजय मित्तल का ध्यान भी आखिरकार अर्पिता से हटकर साक्षी की ओर गया। वो आखिरकार भीड़ का चेहरा थी। साक्षी को अब इस वक्त बेचैनी होने लगी। संजय मित्तल की ओर स्माइल देते हुए साक्षी ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है, हाँ मैं अर्पिता के साथ क्लासमेट तो थी, पर मुझे याद है कि अर्पिता ने नर्सिंग का कोर्स आधे में ही छोड़ दिया था। जैसे कि एक बड़े पत्थर ने शांत तालाब में शोर मचा दिया हो, कुछ वैसा ही दृश्य साक्षी के इस खुलासे के बाद दिखाई पड़ रहा था। इधर उधर सब अर्पिता की बातें कर रहे थे। वहां मौजूद सबको साक्षी के उस बात का मतलब समझ आ रहा था। अगर अर्पिता ने कोर्स खत्म किया ही नहीं तो उसे सर्टिफिकेट कहां से मिला? इसका मतलब उसने नकली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके ये इंटरव्यू क्लियर करने की कोशिश की। वो काफी चालाक लड़की थी। क्या कहा तुमने, फिर से कहना? नौकर को वो बात समझ में नहीं आई और उसने साक्षी को फिर से बात दोहराने को कहा। उसने जल्दी से अर्पिता के सर्टिफिकेट को जांच के लिए भेजा कि वो असली है या नकली। मैं इस बात का खुलासा नहीं करना चाहती थी क्योंकि अर्पिता मेरी क्लासमेट है, पर साथ ही में लिटिल प्रिंसेस की देखभाल को लेकर काफी परेशान भी थी। अगर उसकी देखभाल अच्छे से नहीं हुई तो क्या पता उसके घाव। साक्षी ने ये बात कहते हुए भीड़ को सोचने का मौका दे दिया। अब सब लोग अर्पिता को हीन भावना से देखने लगे थे। अब इस बात का साफ साफ यही मतलब निकल रहा था कि अर्पिता ने नर्सिंग कोर्स बिना पूरा किए ही सर्टिफिकेट हासिल कर लिया जो कि नकली था। नौकर का चेहरा जल्दी ही गुस्से में तब्दील हो गया। अर्पिता, अपनी ओर से कुछ सफाई दो। क्या ये सच है कि तुमने नर्सिंग कोर्स आधे में ही छोड़ दिया था? अर्पिता का दिल साक्षी की बात को सुनकर टूट चुका था, लेकिन अर्पिता फिर भी अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को सुनकर काफी शांत दिखाई दे रही थी। जी हाँ, उसने शांति से जवाब दिया। अर्पिता की ये बात सुनकर नौकर को काफी गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि नौकर उसे कुछ कह पाता, अर्पिता ने उसकी ओर देखते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ये सच है कि मैंने नर्सिंग का कोर्स आधे में ही छोड़ दिया था, पर मैंने कभी किसी से झूठ नहीं कहा। तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुमने किसी से झूठ नहीं कहा और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए नकली सर्टिफिकेट भी लाई हो? इससे पहले कि नौकर अर्पिता पर ये इल्जाम लगा पाता, किसी आदमी ने बाजू से कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है। बाजी पलट गई। रियली? उस बात पर कंफ्यूज होकर नौकर ने उस आदमी के सर पर मारते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने तो अपना नर्सिंग का कोर्स भी पूरा नहीं किया, तो वो ग्रेजुएट कैसे हो सकती है? ये सब हालातों को देखते हुए किसी ने उसके सर्टिफिकेट को ऊपर उठाया और उसका सर्टिफिकेट नंबर बताया। उसका सर्टिफिकेट काफी असली लगता है, आप सब देख सकते हैं। क्या ये सच में असली है? नौकर बार बार उस सर्टिफिकेट नंबर की ओर देखने लगा। उस सर्टिफिकेट को बार बार देखते हुए अचंभित होकर उसने सर्टिफिकेट को अर्पिता का बायो डेटा संजय मित्तल को पकड़ाया। संजय मित्तल ने जल्दी ही अपने पास रखी अर्पिता की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा। उसने फिर अर्पिता की ओर देखा जो कि परेशान और निराश दिखाई पड़ रही थी। आखिरकार उसकी नजर अर्पिता से हटी। बिना कोर्स को कंप्लीट किए सर्टिफिकेट का मिल जाना सिर्फ एक ही बात बयान करता था। दूसरों को कंपेयर करते हुए अर्पिता ने नर्सिंग कोर्स सीखने के लिए आधा ही साल लिया। आखिरकार संजय मित्तल को ये बात समझ आई, क्योंकि वो भी बचपन से काफी जल्दी अपनी क्लास से आगे चला जाता था। ऐसे लोगों के लिए उसके स्कूल में एक खास टाइटल था, या तो ये लोग जीनियस थे या तो बिल्कुल पागल। जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन्हें भी ये बात अब धीरे धीरे समझ आने लगी। शक के साथ अर्पिता को देखने वाली
उनकी नजरें अब अर्पिता को बड़े ही सम्मान के साथ देख रही थी। साक्षी ने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसे पूरा भरोसा था कि अर्पिता ने ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया था और उसका सर्टिफिकेट नकली था। अर्पिता को रास्ते से निकालने की जगह उसने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसके चेहरे का रंग अब फीका पड़ चुका था। अर्पिता की ओर अब उसकी घमंडी नजरें गुस्से में देखने लगी थीं। क्यों क्यों हर बार अर्पिता उससे जीत जाती है? बॉस, क्या अर्पिता ही वो इंसान है जिसे हम लिटिल प्रिंसेस की देखभाल के लिए रख रहे हैं? नौकर ये फैसला सुनाने के लिए काफी जोशीला दिखाई दे रहा था। उसने संजय मित्तल के लिए काफी सालों से काम किया था और अब तक वो समझ चुका था कि संजय मित्तल जिस तरीके से अर्पिता को देख रहा था, वो अर्पिता को ही लिटिल प्रिंसेस की देखभाल के लिए सिलेक्ट करता। जब उसने अपना नाम सुना, अर्पिता संजय मित्तल के फैसले को सुनने के लिए उत्सुक हो रही थी। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। शायद संजय मित्तल उसे कल की टकराव के बाद कोई बदला लेना नहीं चाहेगा। साक्षी को सिलेक्ट करो। संजय मित्तल ने साक्षी का नाम लेते हुए अपने हाथ में रखे हुए सारे बायोडेटा उसे वापस कर दिए। कि क्या क्या? नौकर अब सच में कंफ्यूज हो चुका था। बॉस, क्यों एक नॉर्मल सी लड़की को रखना चाहेंगे जबकि उसके सामने जीनियस खड़ी है? साक्षी जो कि सिलेक्ट हो चुकी थी, उसे भी अब अचंभा होने लगा। उसे भी अब लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है और किसे पता था कि उसकी किस्मत पलट के उसे ये जॉब उसके हाथों में दे देगी। वहाँ सिर्फ नौकर और साक्षी ही सिर्फ कंफ्यूज दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग संजय मित्तल के फैसले को बचकाना समझ रहे थे। कौन एक जीनियस को छोड़कर नॉर्मल सी लड़की को सिलेक्ट करता है? सबको छोड़कर संजय मित्तल की नजर अर्पिता की ओर गई और वो कहने लगा कि नर्स बनना सिर्फ जीनियस होने की बात नहीं है, इसमें लोगों की देखभाल करना भी आनी चाहिए और उन्हें बचाना भी आना चाहिए। वो अपनी बेटी की देखभाल किसी ऐसे इंसान के हाथों नहीं दे सकता था जो कि सिर्फ एक 6 महीने के कोर्स से पड़ी हुई हो। अर्पिता संजय मित्तल को बस देखती रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि संजय मित्तल उसे इस बात के लिए रिजेक्ट कर देगा। उसे अपने सपने अब सच में टूटते हुए दिखाई देने लगे थे। ये सच है कि उसका सर्टिफिकेट उसके इंटेलिजेंस को दर्शाता था, पर ये कतई नहीं था कि उसका उसके पेशेंट के साथ अच्छा नाता ना हो और वो किसी की जान ना बजा पाए। उसे संजय मित्तल की बात सुनकर काफी बेइज्जती महसूस हुई। वो अपने आप पर ही शक करने लग गई। जैसे ही वो संजय मित्तल द्वारा कही गई इस बात से उसको टोकती, वहां खड़े नौकर ने उसे रोक लिया। बॉस द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को मोड़ा नहीं जा सकता है, उनका फैसला मतलब आखिरी फैसला, नौकर ने अर्पिता से कहा। अर्पिता। डैडी। मित्तल हाउस के उस बड़े से घर के एक रूम से एक मासूम सी आवाज बाहर आने लगी। अगले ही पल एक छोटी प्यारी सी छवि अपनी नैनी के गोद से नीचे उतरकर हॉल की तरफ आने लगी। अपने जख्मी कंधे को संभालते हुए वे जोरों से संजय मित्तल की ओर भागने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो संजय मित्तल की गोद में जाकर बैठ गई। एक मासूम भरी आवाज के साथ उस बच्ची ने अर्पिता की ओर इशारा किया। डैडी, क्या ये दीदी मेरी हमारे साथ रहेंगी? कितनी सुंदर है, एकदम परियों जैसी। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। लिटिल प्रिंसेस की डिमांड ने संजय मित्तल के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया। अनन्या, ये तुम क्या बात कर रही हो? संजय मित्तल ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा। उसने उसकी प्यारी क्यूट सी बेटी को गोद में लेते हुए उसकी ओर प्यार से देखते हुए उसे समझाया। लोगों को शायद पता ना हो, पर एक बात से वो वाकिफ था। अपनी नानी के साथ इतने सालों तक रहकर अर्पिता पहले ऐसी इंसान थी जिसके पास अनन्या खुद होकर इतनी प्यार से जाना चाहती थी। क्या किसी इंसान के लिए वो इतनी जल्दी फीलिंग डेवलप कर सकती थी, सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर थी? इसी ख्याल में संजय मित्तल ने अनन्या से अपनी आंखें हटाकर अपनी गहरी आंखों से अर्पिता की ओर देखा। उसका मासूम और साफ चेहरा वाकई में प्यारा था। देखने में तो वो खूबसूरत थी ही, वो ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस सूट उसकी कर्वी बॉडी को भी काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। एक शर्मीला मासूम चेहरा उसकी चमकदार आंखों के पीछे दिख रहा था।
उसके द्वारा की गई किसी भी चीज का अपना अलग ही एक अंदाज था। मेकअप के साथ लेकिन मेकअप के बिना भी वो उतनी ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे का तिल उसके चेहरे की शोभा बढ़ा देता था। उसका ये चेहरा काफी मैच्योर दिखाई देता था। उसका चेहरा देखने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते थे। संजय मित्तल उसकी तरफ सवाल भरी नजरों के साथ देखने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। संजय मित्तल के होठों से सिर्फ यही दो शब्द बाहर निकले। डैडी डैडी, मुझे किस चाहिए? मुझे हग भी चाहिए और मुझे वो सुंदर दीदी भी चाहिए। वो दीदी बिल्कुल परियों जैसी है। अनन्या ने अपने पापा का गुस्सैल चेहरा देखकर बड़ी प्यार से उन्हें हग करते हुए कहा। आखिरकार जब वो अपने पापा की गोद से नीचे उतरी, उसकी आंखें चमकदार थी और अर्पिता को निहार रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब संजय अगर उससे और मना करता तो वो आसमान सर पर उठा लेती। अर्पिता के लिए उसे कुछ अलग ही लगाव लग रहा था। संजय मित्तल वो दुनिया में किसी को भी रिजेक्ट कर सकता था, पर अपनी लिटिल प्रिंसेस को कभी नहीं। वो कुछ देर शांत रहा। अर्पिता की ओर बड़ी रूढ़ नजरों से देखते हुए संजय मित्तल ने कहा, तुम्हें एक हफ्ते का समय दिया जाता है। इस एक हफ्ते तक तुम ट्रायल पर रहोगी। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो तुम उसी वक्त इस घर से निकल जाना। इससे पहले कि अर्पिता अपने साथ हुए इस चमत्कार को समझ पाती, संजय मित्तल की बाहों से निकलकर अनन्या खुशी के मारे अर्पिता की ओर भागने लगी। प्यारी दीदी, मुझे हग कर लो। एक गोरा और प्यारा हाथ अर्पिता की ओर बढ़ने लगा और उसे अपनी ओर खींचते हुए गले से लगा लिया। अर्पिता कुछ देर अनन्या को देखती रही और उसे कुछ कह नहीं पाई और उसे जोरों से गले लगा लिया। वहां मौजूद सभी लोगों को ये लगने लगा कि अर्पिता अपने साथ हुए इस चमत्कार से अभी तक उभर नहीं पाई है। लेकिन छोटी बच्ची के गले लगाने के बाद अर्पिता को काफी अच्छा लगने लगा था। वो उसके लिए अलग ही लगाव महसूस कर रही थी। उसके मन में कभी भी ये बात नहीं आई कि जिस बच्चे के लिए उसने अपना ब्लड डोनेट किया था वो और कोई नहीं, संजय मित्तल की ही बेटी थी। तो उसका नाम अनन्या है। पर उसे याद आया कि वो ब्लड डोनेट करने के बाद तुरंत वहां से निकल चुकी थी। वो बच्ची और अर्पिता तो कभी मिले ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि अनन्या ही वो बच्ची है जिसे उसने ब्लड डोनेट किया? अर्पिता के मन में आने वाले सवाल बेशक संजय मित्तल के मन में आने वाले सवालों से ज्यादा थे। प्यारी दीदी, आओ मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। वो बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपके जैसा। अनन्या ने कसकर अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे देखकर ये लग रहा था कि वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। अनन्या का हाथ अपने हाथों की ओर देख अर्पिता को ये बात मालूम पड़ चुकी थी कि उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। वो जल्द ही नीचे झुके और उसने अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया। अनन्या को भी उस अजनबी से डर नहीं लग रहा था। वो जल्दी से अर्पिता की गोद में बैठ गई और अर्पिता को गाल पर किस दे दिया। ये पहली बार ही था कि वो दोनों मिले थे, पर ऐसा लग रहा था कि वो सालों से एक दूसरे को जानते हों। ऐसा लग रहा था कि अनन्या ने हजारों बार अर्पिता को किस किया हो। वहां मौजूद सभी लोगों को तभी होश आया जब अनन्या और अर्पिता वहां से जा चुकी थीं। वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कैसा चमत्कार है। संजय मित्तल को बार बार अनन्या और अर्पिता का चेहरा दिखाई दे रहा था। अनन्या का अर्पिता के लिए ये लगाव संजय मित्तल के लिए बहुत अजीब था। उसे बार बार कल के हुए अर्पिता से टकराव और आज अनन्या का अर्पिता से ये लगाव नजर आ रहा था। ये पहली बार था जब वो अनन्या को किसी के साथ अपने सिवाय इतना करीब होते हुए देख रहा था। अर्पिता में ऐसी क्या खास बात थी? बॉस, जहां तक साक्षी, नौकर संजय मित्तल के पास जाकर सवाल पूछने लगा। अर्पिता जैसी ही है, एक हफ्ते के बाद हम इन दोनों में से किसी एक को चुन लेंगे। संजय मित्तल ने वहां से जाने से पहले बड़े ही रूड तरीके से कहा। रूम के अंदर धड़ाक, अनन्या के बेडरूम में पहुंचकर अर्पिता दरवाजा लगाने लगी। फिर उसने अनन्या को सोफे पर बिठाया। वो बड़े प्यार से अनन्या की ओर देख रही थी। उसके साफ और मुलायम बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसका वो सुंदर प्यारा चेहरा जरूर संजय मित्तल पर गया था। उन दोनों में बस
यही डिफरेंस थी कि अनन्या बिल्कुल प्यारी थी और संजय मित्तल बड़े ही रूड इंसान थे। उसके छोटे चबी फेस और उस पर पड़ने वाले उस डिम्पल को देखते हुए अर्पिता का दिल पिघलने लगा था। तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं? क्या तुमने मुझे कहीं देखा है या मैं तुम्हें याद हूँ? अर्पिता अनन्या की ओर आगे बढ़ी और उसके चबी गाल खींचते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। अनन्या का उसे चुनने के पीछे उसे बस यही वजह नजर आ रही थी। अनन्या को बहुत पेन रहा था, जगह जगह ब्लड ब्लड। अनन्या ने सुंदर दीदी को देखा। उस छोटी बच्ची ने अपने तोतले मुंह से अर्पिता को जवाब दिया। उसने अपने जख्मी कंधे के साथ अर्पिता को गले लगा लिया। भले ही अनन्या छोटी थी पर उसे इस बात की समझ थी कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इसी वजह से उसे अर्पिता याद थी। डॉक्टर अंकल ने बताया था कि वो सुंदर दीदी ने मेरी जान बचाई, जैसे परियां बचाती हैं। अरे अरे, तुम अपना कंधा आराम से रखो, ज्यादा मूवमेंट मत करो। अर्पिता थोड़ी हैरत में आ गई और उसने अनन्या का कंधा आराम से नीचे कर दिया। फिर उसने ध्यान से अनन्या का चेकअप किया ताकि उससे तसल्ली हो जाए कि उसे लगे हुए स्टिचेस कहीं खुल ना गए हों। अब तुम अच्छी बच्ची बनो और यहाँ मेरा वेट करो, अर्पिता उसे समझाते हुए यहाँ वहाँ रूम में देखने लगी। वो मेडिकल किट ढूंढ रही थी। इससे पहले कि वो मेडिकल किट ढूंढ पाती, किसी ने जोरों से दरवाजा खोला। साक्षी अपनी चमकदार आंखों से लिटिल प्रिंसेस का आलीशान तरीके से सजाया हुआ कमरा निहार रही थी। उसकी आंखें उस कमरे में लगी बेशकीमती चीजों से हट ही नहीं रही थी। फिर उसने अपनी आंखों में भरे लालच को छुपाया और अर्पिता की ओर बड़ी तिरछी नजरों से देखा। मिस्टर संजय ने कहा है कि लिटिल प्रिंसेस का ध्यान हम दोनों मिलकर रखेंगे, तो तुम उन्हें इस रूम में छुपाकर क्या करना चाहती हो? आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? इस बार अर्पिता साक्षी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, पर फिर उसने देखा कि जो मेडिकल किट वह ढूंढ नहीं पा रही थी, साक्षी उसे अपने हाथों में लिए खड़ी थी। साक्षी ने अर्पिता की ओर देखा, उसका चेहरा अर्पिता के लिए गुस्से से भरा हुआ था। साथ ही साथ अपने हाथों में मेडिकल किट देखकर वो गर्व महसूस कर रही थी। नौकर ने कहा कि लिटिल प्रिंसेस के जख्म की ड्रेसिंग करने का वक्त हो गया है। उन्हें तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसने स्पेशली मुझे भेजा है। जैसे ही साक्षी ने ये कहा, वो शैतान भरी मुस्कान के साथ लिटिल प्रिंसेस से कहने लगी, आइए अनन्या, मैं आपके जख्म की ड्रेसिंग कर देती हूँ। अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ साक्षी की ओर देखा और उसकी तरफ बढ़ गई, लेकिन साक्षी ने अपनी ड्रेसिंग करवाने के लिए नहीं बल्कि उसके हाथों से वो मेडिकल किट लेने के लिए। अनन्या ने वो मेडिकल किट साक्षी के हाथों से लेकर अर्पिता को दे दिया। वो अर्पिता को देखकर मुस्कुराई और प्यार से कहने लगी, मुझे सिर्फ प्यारी दीदी चाहिए। साक्षी, स्टडी रूम के अंदर एक लड़की की टेबल के आगे अपने हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट की फाइल लिए हुए संजय मित्तल अपनी मस्कुलर बॉडी चेयर पर टिकाए हुए बैठे थे। जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था, तभी उसे अपने चारों ओर ठंडी हवा के झोंके महसूस हो रहे थे, जैसे कि वहाँ से हजारों मीलों तक बर्फ जम चुकी हो। बॉस, कार के हुए एक्सीडेंट को देखकर ऐसा लगता है कि लिटिल प्रिंसेस के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि ये कुछ और था। संजय का असिस्टेंट उसे अपनी खोज का रिजल्ट बताने लगा। धड़ाक! असिस्टेंट की बात सुनकर उसने अपने हाथों में रखे डॉक्यूमेंट्स को उस लड़की के टेबल पर जोर से पटका। संजय की शांत आंखों में जैसे अब तूफान आ चुका था। वो गुस्से में आंख बबूला हुए जा रहा था। उसने कुछ देर बाद खुद को संभाला और अपने गुस्से को काबू में किया। उसके पतले होंठ हर शब्द के साथ लंबी सांस लेते हुए कहने लगे, इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, साथ ही साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे पुख्ता सबूत चाहिए। जी हाँ, असिस्टेंट ने उसकी बात को समझते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। असिस्टेंट ने उसके बाद संजय मित्तल के सामने और दो डॉक्यूमेंट्स रखे। बॉस, हमने साक्षी और अर्पिता दोनों के बैकग्राउंड चेक किए। साक्षी का बैकग्राउंड बहुत ऑर्डिनरी है, उसके माँ बाप दोनों ही काम करते हैं, साथ ही वो हमेशा से घर की लाडली रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो अर्पिता, असिस्टेंट आगे की बात बोलने में हिचकिचाने लगा। संजय ने उसकी ओर सवाल भरी नजरों से देखा। बॉस, हम अर्पिता के बारे में उसके 20 साल के होने के पहले की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा।
यंग, खूबसूरत और एनर्जेटिक। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान रातों रात आसमान से नीचे गिर पड़ा हो बिना किसी निशान के। अगर दिल्ली शहर में कोई ऐसा इंसान होता जिसके बारे में मित्तल परिवार पता ना लगा पाए तो सिर्फ दो ही वजह हो सकती है, या तो वो इंसान नकली पहचान के साथ जी रहा है या तो फिर उसके बैकग्राउंड की डिटेल के साथ कुछ छेड़खानी की गई है। वैसे बॉस, उसके 20 साल के होने के बाद की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, पर वो भी साक्षी से मिलती जुलती है। अर्पिता ने नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ से ग्रेजुएट हो गई। असिस्टेंट को मिली हर एक छोटी बात उसने संजय मित्तल को बताई। साक्षी के कंपैरिजन में अर्पिता काफी सिंपल थी। अर्पिता के बारे में स्कूल में बस एक ही बार बात हुई, जैसे कि वो सिर्फ जल्दी में अपना सर्टिफिकेट लेने आई थी और फिर वो गायब सी हो गई। संजय मित्तल अपनी चेयर पे बैठे अर्पिता के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देख रहा था। उसके दिमाग में हॉस्पिटल में हुई अर्पिता से उसकी पहली मुलाकात के सीन फ्लैशबैक होने लगे। यंग, खूबसूरत और एनर्जेटिक, ये तीन शब्द अर्पिता को परफेक्टली डिस्क्राइब करते थे। उसकी वो परफेक्ट आंखें किसी कलाकार के मास्टरपीस से कम नहीं लगती थी, मगर उसका बैकग्राउंड का नाम मिल पाना और उसका यूं जल्दी ग्रेजुएट हो जाना संजय को बेचैन कर रहा था कि उसने अपनी लिटिल प्रिंसेस को अर्पिता के हाथों में सौंपकर कोई गलती तो नहीं की है। संजय मित्तल की नजर उसके डेस्क पर पड़ी ट्रैफिक एक्सीडेंट की रिपोर्ट पर गई और उसे देखते ही वो ठंडा पड़ गया। कहाँ है अब वो? असिस्टेंट ने संजय की ओर हैरानी से देखते हुए कहा। नीचे लिटिल प्रिंसेस के साथ खेल रही है। वो सुनकर संजय किसी सोच में पड़ गया। वो अपनी चेयर पर से उठा और वहां से चल दिया। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या हॉल में बैठकर अपने हाथों से नाश्ता कर रही है। वहां सिर्फ नौकर मौजूद था। अनन्या की देखभाल करने वाली नर्स कहाँ है? संजय मित्तल ने नौकर से पूछा। नौकर ने संजय की बात सुनकर जवाब दिया, बॉस, लिटिल प्रिंसेस को दो लोगों द्वारा ख्याल रखे जाने पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उन दोनों नर्सों के लिए एक शेड्यूल बना दिया और पहले मैंने साक्षी को रेस्ट करने के लिए कह दिया। फिलहाल अर्पिता लिटिल प्रिंसेस का ख्याल रख रही हैं, अभी वो बेडरूम में है। इससे पहले कि नौकर अपनी बात पूरी कर पाता, संजय मित्तल वहां से जाकर सीधा बेडरूम में पहुंच चुका था। उसके रूड बिहेवियर को देखकर सब लोग उसके डर से कांपते थे। नौकर काफी डरा हुआ था, इसलिए वो संजय के पीछे नहीं गया। संजय बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि उसने चीजों को इधर उधर करने की आवाज सुनी। अनन्या, अभी अंदर मत आओ, अभी हॉल में ही रहकर खेलो, प्यारी दीदी अभी आ जाएगी। अर्पिता अनन्या के रूम में रखे खिलौनों को समेट रही थी, जो कि उसके हाथ जख्मी होने की वजह से वो फिलहाल के लिए नहीं खेल सकती थी। वो खिलौने समेट कर बाहर निकलने ही वाली थी कि उसने देखा एक लंबी इंसान की छवि उसके सामने खड़ी थी। वो गहरी आंखें उसे अजीब तरीके से देख रही थी। किसी का उस तरीके से देखना किसी को भी डरा सकता है। मिस्टर संजय, अर्पिता ने अपने सामने खड़े उस आदमी की ओर देखा और वो कांपने लगी। उसने समझते हुए पीछे होना चाहा, पर फिर उसे याद आया कि उसके हाथों में खिलौनों का ढेर था। उसके हाथों से खिलौना नीचे गिर गया और उसने उस पर पैर रख दिया। वो खुद के ही हाथों फिसल पड़ी और सीधा जाकर संजय की बाहों में जा गिरी। उसने जो दर्द एक्सपेक्ट किया था उसे वो नहीं हुआ। अर्पिता ने कंफ्यूजन में अपनी आंखें खोली। उसके गिरने की आवाज सुनकर अर्पिता को अभी भी डर लग रहा था कि अब संजय क्या करेगा। क्या तुम्हारा मुझसे टकराने से मन नहीं भरा? संजय की आवाज में काफी चिड़चिड़ापन सुनाई दे रहा था। अर्पिता को समझ आ गया था कि उसने शेर की गुफा में हाथ डाल लिया है और अब उसे किसी भी पल खा ही जाएगा। मैं अभी उठती हूँ। अर्पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से वहां से उठना चाहा। अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर वो उठी और उस इंसान को गहरी सांस लेते हुए देखा। फिर उसे समझ आया कि उसके दोनों हाथ संजय के कंधों पर रखे हुए थे। उसने जल्दी से अपने हाथ वहां से उठा लिए। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने गलती से हाथ रख दिया, संजय। अर्पिता ने अपनी हड़बड़ाहट को संभाला और संजय को देखते हुए
उस ऑकवर्ड सीन को खत्म किया। अगले ही पल संजय के पीछे से एक छोटी सी परछाई दिखाई देने लगी। प्यारी दीदी, आप मेरे डैडी से टकरा क्यों रही है? अनन्या ने अपनी मासूम आवाज से अर्पिता को पूछा। उस सवाल को सुनकर मानो अर्पिता के कानों में बिजली ही कड़क उठी। जैसे ही अर्पिता ने नीचे देखा, उसे अनन्या का मासूम चेहरा अपने सामने नजर आया। सवाल और हैरानी से भरी वो दो आंखें अर्पिता अपनी ओर निहारते हुए देख पा रही थी। अनन्या, इसे टकराना नहीं कहते, प्यारी दीदी की बात सुनो। प्लॉप। इससे पहले कि अर्पिता कुछ कह पाती, वो हड़बड़ाहट में वापस संजय के ऊपर जा गिरी। अर्पिता के लाल नर्म मुलायम होठ संजय के होठों से जा मिले। संजय की सांसें उसे जानी पहचानी सी लग रही थी, वही धीमी सी सुंदर खुशबू। संजय से हुए हॉस्पिटल में उसके पहले टकराव के सीन उसकी आंखों के सामने आ गए। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मौत आ गई है। अर्पिता पैनिक होकर संजय से दूर हटी। उसे लग रहा था मानो उसकी बॉडी सुन पड़ चुकी है। वो संजय की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। अगर वो कहती कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, तो क्या उसका विश्वास करता? या इस बार भी उससे पहली बार की तरह बदला लेता? अर्पिता कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद रूम के दूसरे कोने में जाना ही उसने ठीक समझा, जहां से वो संजय से दूर रह सके। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, सॉरी। जमीन पर गिरकर किसी को किस करना संजय ने अपनी जिंदगी में ये पहली बार महसूस किया था, और तो और ये ठीक उसकी बेटी की आंखों के सामने हुआ था। ठीक उसकी आंखों के सामने वो जैसे ही जमीन से उठा, उसने अपने असिस्टेंट को उसकी ओर घूरते हुए पाया। संजय के असिस्टेंट के लिए ये बिल्कुल हैरानी की बात थी। ग्रेट, देखा तुमने क्या किया, एक और विटनेस। बॉस, आपके मुंह का कोना। वो असिस्टेंट अपनी हैरानी से बाहर आया। संजय मित्तल ने अपनी मुलायम उंगलियों से अपने होठों को छुआ। अपनी आंखों को नीचे करके उसने देखा कि उंगलियों पर खून लगा हुआ है। मुझे लगता है ये खून किस करने की वजह से आया है, असिस्टेंट ने हैरत से संजय को कहा। शट अप, संजय ने गुस्से में असिस्टेंट को कहा। उसे ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन को याद नहीं करना था। असिस्टेंट की ये बात सुनकर अर्पिता ने उसकी ओर अजीब नजरों से देखा। हालांकि उसे ये समझ आया कि ये उसके संजय के लिए बैड बिहेवियर का अंजाम है कि उसके होठों से खून निकल आया। उसे ऐसा लगने लगा कि वो खुद के लिए गड्ढा खोदे और उसमें खुद को दफन कर दे। उस रूम में संजय मित्तल किसी तरह उस खून को देखने के बाद अपना गुस्सा काबू में कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा रूम ठंडा पड़ चुका है, रिपीट, ठंडा पड़ चुका हो। सब संजय के डर से कांप रहे थे। जैसे ही अर्पिता को लगा कि अब उसका नसीब खत्म होने की कगार पर आ चुका है, वैसे ही वो डरा देने वाला आदमी वहां से चला गया। क्या वो चला गया? अर्पिता ये सोचते हुए कमरे के दरवाजे की ओर भागी और बाहर कॉरिडोर पर देखने लगी। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था, संजय वहां से जा चुका था। ये आदमी कितना गुस्सैल है। बॉस, असिस्टेंट संजय मित्तल की ओर भागा और उसे ढूंढने लगा। बॉस, क्या हम अर्पिता को लिटिल प्रिंसेस की देखभाल के लिए रख रहे हैं, जो कि हम वहां ऐसे ही चले आए बिना कुछ कहे? असिस्टेंट ने संजय के बोलने के पहले ही संजय से ये बात कह दी। वो संजय के एक्सप्रेशन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। संजय ने असिस्टेंट के बात सुनकर अपने कदम रोक लिए। उसके हैंडसम चेहरे पर एक सीरियस लुक आ गया। उसके दिमाग में अर्पिता का उस पर गिर जाना और उस किस का ख्याल बार बार आ रहा था। वो उसे आराम से अवॉइड कर सकता था और उसे जमीन पर गिरने दे सकता था, फिर भी उसने अर्पिता को खुद पर गिरने दिया और बाकी सब देखता रहा, मानो उसकी बॉडी जमीन से चिपक गई हो। उसने आखिर में अर्पिता को टच और किस भी किया। सड़ू संजय के नखरे। अगर संजय को पहले पता होता कि अर्पिता उस पर इस तरह गिरेगी, तो वो उसे आसानी से गिरने देता।
और उसे उसका सबक दिलाता। अगर बात अनन्या के अच्छी देखभाल करने की ना होती तो वो कब का अर्पिता को उसके घर से बाहर निकाल फेंकता। संजय को अर्पिता से चिढ़ होने लगी थी। संजय ने खुद को संभाला। जब जब उसके मन में अर्पिता से हुई उस किस का ख्याल आता, वो अपनी टाई को ठीक करने लगता। उसे उसकी सांसें बेचैन होती सुनाई दे रही थी। ये दो बार हो चुका था। उसके साथ ये पहले कभी नहीं हुआ था, और अब जब हुआ तो वो भी दो बार, वो भी सेम औरत के साथ। बॉस, वो कार जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लिटिल प्रिंसेस थी, वो लिटिल प्रिंसेस के लिए नहीं बल्कि आपको पिक करने आ रही थी। हमें लगता है कि दुश्मन का टारगेट लिटिल प्रिंसेस नहीं बल्कि आप थे। असिस्टेंट ने संजय को पिछली बातें याद दिलाते हुए बताया और उसका जवाब सुनने के लिए इंतजार करने लगा। मित्तल परिवार दिल्ली शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसकी शान और शौकत किसी से छुपी नहीं थी। हालांकि ये परिवार इतनी भी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी नहीं बिता रही थी जैसे कि बाकी लोगों को लगता था। ये इसलिए कि संजय मित्तल मित्तल परिवार का इकलौता चिराग था। साक्षी के कंपैरिजन में अर्पिता की कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल नहीं पा रही थी, ना ही अर्पिता की फैमिली का कुछ पता लग पा रहा था, ना ही वो कहां से आई है ये पता चल पा रहा था। अर्पिता उन्हें अब काफी सीक्रेटिव और डेंजरस लगने लगी। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? संजय ने अपने असिस्टेंट को सवाल भरी नजरों से पूछा। संजय के चेहरे पर अभी कुछ देर पहले हुए उस किस के कुछ भी ख्याल नहीं दिखाई पड़ रहे थे, बल्कि अब वहां अर्पिता के बारे में सोचकर बेचैन हुए जा रहा था। उसकी नजरें ऊपर उठकर असिस्टेंट को देखने लगी। अचानक उसका ध्यान घर के दरवाजे की ओर गया। उस दरवाजे से सूरज की किरणें हॉल में आ रही थी। एक के बाद एक काफी सूरज की किरण काफी सुकून दे रही थी। हॉल में अर्पिता अनन्या को गोद में लिए उसकी ड्रेसिंग चेंज करने के बाद उसके साथ खेल रही थी। वो मासूम नजर, दिल चुरा लेने वाली वो क्यूट स्माइल अर्पिता के चेहरे को और भी हसीन बना देती थी, जिस वजह से और भी खूबसूरत लगने लगती। हालांकि अर्पिता संजय से काफी दूर थी, वो क्या कह रही थी संजय सुन नहीं पा रहा था। संजय सिर्फ अब अनन्या को देख रहा था, जो कि खुशी से अपने हंसते हुए चेहरे के साथ अर्पिता के चारों ओर खेल रही थी। अनन्या अर्पिता के साथ काफी खुश दिखाई दे रही थी। अगले ही पल अनन्या ने अपना चेहरा अर्पिता के करीब लाया और उसे गाल पर किस कर दिया। संजय ये सब दूर से देख रहा था। उसे ये सब देखकर काफी शॉक लगा। उसे अनन्या का अर्पिता के लिए ये लगाव बड़ा अजीब लगने लगा था। उसने कभी भी अनन्या को उसके अलावा किसी और को इतना प्यार करते हुए नहीं देखा था। वो जरूर अर्पिता को काफी पसंद करती थी। असिस्टेंट जो कि घर के पिछले हिस्से में था, वो ये सब नहीं देख पाया। अपने बॉस की कंफ्यूजन को समझते हुए असिस्टेंट ने कहा, बॉस, हम आपके और लिटिल प्रिंसेस की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अर्पिता को यहाँ मित्तल हाउस में नहीं रहने दे सकते। बॉस, मैंने डॉक्टर से लिटिल प्रिंसेस के चोट के बारे में बात की, एक नर्स उनके लिए काफी होगी। हमें अर्पिता को अब इस घर में नहीं रहने देना चाहिए। क्या पता अर्पिता दुश्मन के हाथों भेजी हुई कोई जासूस हो। संजय अपनी बॉडी तानकर दूर से अर्पिता को देखते हुए कुछ सोचने लगा। असिस्टेंट की बात सुनकर उसे अर्पिता के बारे में अजीब ख्याल आने लगे और वो उन दोनों को हॉल में देखते हुए वहां से चले गए लिविंग रूम में। अर्पिता, अब तुम ब्रेक ले सकती हो, आज रात साक्षी लिटिल प्रिंसेस का ध्यान रखेगी, नौकर ने साक्षी को याद दिलाते हुए कहा। साक्षी जो कि पूरे दिन से गायब थी उसके बगल से आने लगी। इस समय तक साक्षी का ध्यान उस बच्ची पर बिल्कुल भी नहीं था। उसने पूरा घर छान लिया था पर उसे संजय कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब उसने वापस देखा अर्पिता की ओर गुस्से में देखने लगी। अगर अर्पिता ने अनन्या का ध्यान रखने का चांस उससे छीनना ना होता तो आज वो पूरा दिन संजय मित्तल के साथ बिताती। उसे शायद जल्दी आना चाहिए था, मिस्टर संजय शायद जा चुके थे। अनन्या जो कि अभी तक अर्पिता को प्यार से गले लगाए हुए थी
और अर्पिता से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, ये देखकर साक्षी को चिढ़ होने लगी। नहीं, वो मित्तल हाउस में इतनी मुश्किलों से पहुंची है, वो अर्पिता को उससे ये मौका छीनने नहीं दे सकती। सुनिए, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जैसे ही साक्षी ने अपनी बात खत्म की, अर्पिता और अनन्या ने भी उसकी ओर देखा। क्या ये लड़की फिर से कोई मुसीबत खड़ी करना चाहती है? साक्षी ने हंसते हुए नौकर की तरफ देखा। जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से देखभाल करते हैं, मैं चाहती हूँ कि अर्पिता का ध्यान रखने का तरीका जान लूं, ताकि मैं भी लिटिल प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रख पाऊं। अर्पिता की आंखें हैरत से चौंक गईं। ये खुशी की बात थी कि अनन्या की सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी और उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। खैर थी तो वो बच्ची, उसका ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई आसपास चाहिए था। ये सब होने के बावजूद अर्पिता साक्षी को अनन्या के बारे में कुछ बातें बताना चाहती थी। जरूर, तुम दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो, तब तक मैं अनन्या को अंदर लेकर जाता हूँ। नौकर ने अनन्या को गोद में उठाया और उसे अपने दूसरे रूम में ले गया। जैसे ही उसने नौकर को जाते हुए देखा, साक्षी की आंखें चमक उठी और वो मुड़कर अनन्या के बेडरूम की ओर जाने लगी। भले ही वो अनन्या के कमरे में दूसरी बार आ रही थी, पर फिर भी उसकी नजरें कमरे से हट नहीं पा रही थी। ये था अमीरों के रहने का लाइफस्टाइल। वो बस एक छोटी सी बच्ची थी, पर वो प्रिंसेस वाली लाइफ जी रही थी। तो हम कहां से शुरू करें? अर्पिता उसके पीछे से आई और उससे पूछने लगी। साक्षी ने आखिरकार अपने जलन भरे चेहरे को स्माइल के साथ छुपाया और अर्पिता की ओर देखने लगी। बड़ी ही रूढ़ होकर उसने अर्पिता को कहा, वो मेडिकल किट से शुरुआत करते हैं। मैंने अनन्या की ड्रेसिंग शाम 6 बजे ही चेंज कर दी थी, तो तुम बस अब उसे रात को सोने से पहले चेंज कर देना। अर्पिता ने मेडिकल किट खोलते हुए बड़े ही ध्यान से साक्षी को समझाने लगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, साक्षी ने उसे बीच में ही टोक दिया। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों मौजूद हैं, क्या तुम अभी भी ये नाटक करना चाहती हो? अर्पिता ये सुनकर हैरान रह गई। आखिर साक्षी का क्या मतलब था? क्या वो तब से नाटक कर रही थी? अर्पिता, आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो, मित्तल हाउस को छोड़ने से पहले? साक्षी ने बड़े गुस्सैल अंदाज में अर्पिता के पास जाकर ये सवाल पूछा। अर्पिता को समझ आया कि वो काम करने का तरीका जान लूं सिर्फ एक बहाना था। साक्षी अनन्या के बारे में परेशान नहीं थी, बल्कि ये तो सिर्फ उसका कौन बेस्ट है ये सवाल का जवाब देने का एक जरिया था। अर्पिता जैसे ही ये सुनकर मेडिकल किट बंद कर वहां से जाने लगी, तभी साक्षी ने उसे रोक लिया। अर्पिता, तुम आज ही ये जॉब छोड़ दो अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। जैसे ही साक्षी ने अपनी बात खत्म की, उसने टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाया और मेडिकल किट के ऊपर डाल दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैरान होकर अर्पिता ने साक्षी के हाथ को पकड़कर उसे पीछे खींचा। अर्पिता मेडिकल किट को ध्यान से खोलकर उसमें रखी सारी चीजें देखी। अनन्या को रात में इसकी जरूरत है। इससे पहले कि अर्पिता मेडिकल किट में से वो दवाई निकाल पाती, साक्षी ने अपना हाथ अर्पिता के हाथों से छुड़ाते हुए वो ग्लास को वापस उसकी जगह पर रखा और दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगी, अर्पिता, ये तुमने क्या किया? अनन्या की दवाई के डिब्बे में पानी डाल दिया, तुम उसका ख्याल कैसे रखोगी? साक्षी की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। इससे पहले कि अर्पिता कुछ कर पाती, नौकर उस रूम में आ चुका था। गीली मेडिसिन को देखते हुए जो कि अर्पिता के हाथों में थी, नौकर का दिमाग सुन्न हो गया। ये मैंने नहीं किया है। अर्पिता, अच्छा होगा कि तुम मुझे इस बारे में कोई ठोस वजह दो, नौकर ने अर्पिता से गुस्सा होते हुए कहा। लिविंग रूम में। नौकर लिविंग रूम में सामने खड़ा हुआ था। गुस्से में देखते हुए वो बार बार अर्पिता के ऊपर चिल्ला रहा था। तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? ये बताने की क्या जरूरत है? आपने देखा ना, सारे मेडिसिन्स गीली हो चुके हैं। अगर मैंने अर्पिता से उसका काम करने के तरीके को जानने की रिक्वेस्ट ना की होती, तो ये सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। साक्षी ने तिरछी नजरों से अर्पिता की ओर देखते हुए कहा। इससे पहले कि साक्षी कुछ और कह पाती, दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। बॉस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड।
किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संजय मित्तल इस समय वापस घर आ जाएगा। कुछ समय के लिए लिविंग रूम में मौजूद सारे लोग दरवाजे की ओर देखने लगे। नौकर को जैसे ही ध्यान आया, वो आगे जाकर सिर झुकाते हुए रिस्पेक्ट के साथ संजय को अंदर लाने लगा। बॉस, संजय हॉल में मौजूद सभी लोगों को देखने लगा, बट उसने जानबूझकर अर्पिता को अवॉइड किया क्योंकि वो शायद उसके इमोशंस को इफेक्ट कर सकती थी। वहां सबको देखकर उसने नौकर से पूछा, ये क्या हो रहा है? संजय के पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी हॉल में आ गया और अपने बॉस की ओर देखने लगा। वो दोनों पहले ही काफी सीरियस बातें डिस्कस कर चुके थे। उसके लिए सोचना नामुमकिन था कि उसके बॉस क्या ऐसी बातों पर ध्यान देंगे, इसलिए कि ये बात लिटिल प्रिंसेस से जुड़ी थी या अर्पिता। जैसे ही ये शब्द उसके मन में आया, वो डर के मारे कांपने लगा। ये जरूर उसका वहम है। मिस्टर संजय, जैसे ही मैं अपने शिफ्ट के लिए जाने लगी, मैंने देखा कि लिटिल प्रिंसेस की दवाइयों के साथ किसी ने छेड़खानी की है और वो सारी गीली है। बिना किसी हिचकिचाहट के साक्षी ने नौकर के बोलने के पहले ही पूरी बात संजय को बता दी। उसकी आंखें संजय के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। आखिर वो अब जब संजय की गुड बुक्स में आ सकती थी, तो वो कैसे ये मौका छोड़ देती और अर्पिता को नीचा नहीं दिखाती। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे समझ आया कि वो काफी डेस्परेट दिखाई पड़ रही थी। तुरंत ही वो अपने आंखों के कोनों से मगरमच्छ के आंसू पोंछने लगी। मैं खुद को संभाल नहीं पाई, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर संजय, मुझे अनन्या की बेहद फिक्र है। साक्षी जानती थी कि संजय अपनी बेटी की बात आने पर अर्पिता को नहीं छोड़ेगा, पर किसे पता था कि वो साक्षी की बात सुनकर जरा भी रिएक्ट नहीं करेगा। उसने तो साक्षी की ओर देखा भी नहीं। वो साक्षी को इग्नोर करते हुए अर्पिता के सामने जा खड़ा हुआ। तुम अपनी सफाई दे सकती हो? वो गुस्सैल चिड़ी हुई आवाज अचानक से कानों को प्यारी सुनाई पड़ रही थी। अर्पिता साक्षी की हुई हरकत से काफी गुस्सा थी, पर अब वो संजय की आवाज सुनकर हैरान नजर आ रही थी। उसने क्या कहा अभी अभी? संजय की आवाज अचानक से इतनी अच्छी क्यों लग रही थी? बस इसलिए कि उसने साक्षी के लगाए हुए इल्जाम को सच नहीं माना या मुझे सफाई देने का मौका देना चाहता है? किसी वजह से अर्पिता को अच्छा लगने लगा, बल्कि उसका गुस्सा भी अब शांत हो चुका था। वो मैं नहीं थी जिसने मेडिसिन्स को गीला किया। अर्पिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर संजय के सामने झूठ बोलने की और अपनी गलती ना मानने की? जैसे ही अर्पिता पूरी बात समझाने लगी, साक्षी जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोकने लग गई। मिस्टर संजय, रूम में सिर्फ हम दोनों ही थे। जैसे ही उसने मेडिसिन का डिब्बा खोला, सारी मेडिसिन गीली हो चुकी थी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। अर्पिता के अलावा ये कौन कर सकता है? अनन्या मिस्टर संजय की इकलौती बेटी है, उनका स्टेटस बहुत इम्पोर्टेंट है। अनन्या के रूम में कोई सीसीटीवी नहीं था, इस वजह से कौन सच कह रहा था और कौन झूठ, ये पता नहीं लग पा रहा था। साक्षी अर्पिता पर इल्जाम लगाई जा रही थी। मिस्टर संजय, ये तो कुछ नहीं। शट अप, संजय ने गुस्से में साक्षी को चिल्लाते हुए कहा। अर्पिता, सुना तुमने? मिस्टर संजय चाहते हैं कि तुम चुप रहो। अपनी बात को आधे में ही कहते हुए साक्षी चौंक गई। हैरान होकर वो संजय की ओर देखने लगी। मैंने कहा तुम चुप रहो, संजय ने हर एक शब्द के बाद रुकते हुए गुस्से में कहा। क्या? साक्षी दंग रह चुकी थी। नौकर जल्दी से हालात को समझकर साक्षी को समझाने लगा। साक्षी, मित्तल हाउस में जब तक संजय सर बोलने का मौका ना दे, तब तक तुम अपना मुंह बंद ही रखो। अगर ऐसा अगली बार हुआ तो मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए कह दूंगा। साक्षी, इस समय क्या संजय को अर्पिता पर गुस्सा होना चाहिए या उसे घर के बाहर निकल देना चाहिए? तो फिर वो यहां खड़े होकर मुझे क्यों लेक्चर सुना रहा है? संजय पीछे पलटकर सोफे पर बैठ गया। उसे देखते हुए लग रहा था कि वो अब इस मामले को पर्सनली सॉल्व करेगा। इतने सवालों के होने के बावजूद नौकर ने अपना मुंह खोलने की जुर्रत नहीं की। उसने अर्पिता से कहा, तुम अभी तक चुप क्यों खड़ी हो? अर्पिता अब कंफ्यूजन में आ चुकी थी। उसके मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। वो हैरत भरी नजरों से संजय की ओर देखने लगी। उसे नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। ये सड़ू आज उसे अच्छा भी लगने लगा था, स्पेशली जब उसने साक्षी का मुंह बंद करवाया।
ऐसा अर्पिता के लिए आज तक किसी ने नहीं किया था। मैंने मेडिसिन्स को गीला नहीं किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, साक्षी मेडिसिन्स के बॉक्स में पानी डाल रही थी। अर्पिता ने गहरी सांस लेते हुए पूरी बात संजय के सामने कह डाली। अर्पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तब उसे पता चला कि साक्षी उसकी अच्छाई का फायदा उठा रही थी, और तो और उसे उस छोटी बच्ची की भी कोई फिक्र नहीं थी, और ये सब सिर्फ उसे उस जॉब से निकलवाने के लिए। मिस्टर संजय, वो मैं नहीं थी, ये झूठ बोल रही है। साक्षी अर्पिता की बात सुनकर नर्वस होने लगी। जैसे ही वो कुछ बोलने लगी, उसे नौकर की बात याद आ गई और वो चुप रह गई। साक्षी को अब आगे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब वो आगे क्या करे। साक्षी को लगने लगा कि संजय अर्पिता की बातों को सच मान लेगा और उसे मित्तल हाउस से निकाल देगा। सबूत? संजय ने पूछा। संजय की गहरी आंखें देखकर ये कह पाना बड़ा मुश्किल था कि वो किसका विश्वास कर रहा था। अर्पिता उसका ये सवाल सुनकर दंग रह गई। उसने ये नहीं कहा कि वो उसकी बात का विश्वास करता है, पर साथ ही साथ उसने ये भी नहीं कहा कि वो उसे दोषी मानता है, जैसे कि नौकर ने शुरुआत में माना था। वो उसे उसकी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दे रहा था। लेकिन अर्पिता मित्तल हाउस के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा देखकर अचरज में पड़ गई। अगर वो ठीक तरह से सोच पा रही थी तो उसे ये ख्याल आया कि अगर मित्तल अपनी बेटी के इतना प्यार करता है तो इस तरह पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या मतलब है? क्या वो अपनी बेटी को किसी मुजरिम की नजर से देखता है? मगर बिना उन सीसीटीवी के अर्पिता के पास कोई सबूत भी नहीं था, क्योंकि अनन्या के बेडरूम में सिर्फ वो और साक्षी ही थी। अर्पिता कुछ सोचने लगी और अचानक से उसकी आंखें चमक उठी। मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, पर सबूत तो साक्षी के पास भी नहीं है। उसके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो ये साबित करता है कि अनन्या की मेडिसिन्स मैंने गीली की हैं, तो वो भी गुनहगार ही हुई। जैसे कि वहाँ सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थी, गुनहगार कोई भी हो सकता था। अगर साक्षी उस पर इल्जाम लगा सकती थी तो वो भी साक्षी के साथ वही खेल खेल सकती थी। संजय अर्पिता की ओर इम्प्रेस होकर देखने लगा। अर्पिता का प्रेजेंस ऑफ माइंड संजय को काफी पसंद आया। इस बात का पता होते हुए कि अर्पिता वापस उसके इमोशंस के साथ खेल खेल रही है, उसने खुद की नजर उसके मासूम चेहरे से हटाई। उसी समय उसके लाल पतले होंठ कुछ कहने के लिए खुलने लगे। अगर कोई प्रॉब्लम शिफ्ट खत्म होने के पहले हुई है तो तुम्हें क्या लगता है उसका जिम्मेदार कौन होगा, या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अर्पिता संजय की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे तुरंत समझ में आ गया कि संजय क्या कहना चाह रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो साक्षी के आने के पहले उसकी शिफ्ट थी, भले ही कोई भी प्रॉब्लम हुई हो और उसके बारे में कोई सबूत ना मिले कि कौन उस प्रॉब्लम का जिम्मेदार था, वो भी इस बात के लिए दोषी ठहराई जा सकती थी। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत है? संजय का ये रूड बिहेवियर उसके सीरियस चेहरे को मैच कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह जब वो साक्षी से पहली बार मिला था। सिर्फ अर्पिता ही संजय की बात सुनकर हैरान नहीं थी, बल्कि उसका असिस्टेंट भी, जो 24 घंटे उसके साथ रहता था, दंग था। उसे लग रहा था कि उसके बॉस अर्पिता के फेवर में बोलेंगे, लेकिन हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है। संजय सोफा से उठा और खड़ा हो गया, अपनी जेब में हाथ डाले अपनी गहरी आंखों से अर्पिता को देखने लगा। यही कुछ बातें उसके चेहरे को शैतानी बना देती। वो कुछ इस तरीके से अर्पिता की ओर देखता कि अर्पिता भी नहीं समझ पाती कि वो चाहता क्या है। यू आर फायर्ड। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वो पीछे मुड़कर जाने लगा। मिस्टर संजय, मैं ये मानने से इनकार करती हूँ। यू आर इनसेन अर्पिता। अर्पिता संजय की बात सुनकर दंग हो गई, पर जैसे ही उसे समझ में आया, उसने अपने मन की बात संजय को कह दी। ये सिर्फ 9 सिंपल शब्द थे, लेकिन इन्होंने हॉल में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। वो कैसे इतनी ढीठ हो सकती है कि वो संजय सर का नाम ले, वो भी इस तरीके से? वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अर्पिता के लिए सिंपथी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां खड़े सभी लोग ये जानते थे
कि अब उसका आगे क्या हाल होने वाला है। संजय अर्पिता को शायद घर से बाहर निकाल फेंकता। अर्पिता के गुस्से ने उसे शायद गलती करवा दी थी। जब उसने अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरे देखे तब उसे समझ में आया कि उसने एक्चुअली किया क्या है। मगर संजय का ये जाने बिना कि कौन सही है और कौन गलत, उसे नौकरी से निकाल देना, इस ख्याल से ही अर्पिता को वापस गुस्सा आने लगा। वो कतई संजय के सामने झुकना नहीं चाहती थी। अर्पिता की बात सुनकर संजय ने अपने कदम रोक लिए। लिविंग रूम का माहौल अचानक से बदल गया। वहां मौजूद सभी लोग अपनी सांसें रोककर अर्पिता की बुरी किस्मत के बारे में सोचकर पसीना पोंछने लगे। अगले ही पल अनन्या रूम से निकलकर दौड़ते हुए सीधा संजय के पास आ पहुंची। डैडी, आप प्यारी दीदी को निकाल नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि प्यारी दीदी मेरा ख्याल रखे। अनन्या ने अपने गाल फुलाते हुए अपनी गोल आंखों से संजय की ओर देखने लगी। उसके एक हाथ पर चोट लगी थी और वो अपने दूसरे हाथ से संजय को कसकर पकड़ नहीं पा रही थी। फिर भी उसने अपने हाथों से संजय के पैरों को पकड़कर उसे रोकना चाहा। मैंने उसे एक चांस दिया था पर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, उसने खुद पर झूलती हुई अनन्या को देखते हुए कहा। पर वो अनन्या का उदास चेहरा भी देख पा रहा था। उसने नीचे झुककर अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया। डैडी प्रॉमिस करते हैं कि वो कल अनन्या के लिए इससे भी सुंदर और प्यारी दीदी ढूंढ कर लाएंगे। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे बस यही दीदी चाहिए, अनन्या ने अपने गाल फुलाकर उदासी भरी आवाज में कहा। रोती नहीं अनन्या? इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसकी गोद में बैठी अनन्या अपनी प्यारी दीदी से बिछड़ जाने के ख्याल से डर कर जोर जोर से रोने लगी। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा दिख रही थी। वो छोटा चेहरा संजय के कंधों पर आंसू बहाते हुए कहने लगा, मुझे सिर्फ प्यारी दीदी चाहिए, बैड डैडी। संजय कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हें किसी भी चीज के बारे में प्रॉमिस कर सकता हूँ, लेकिन इस बात को यही खत्म करना होगा, इसे आज यहाँ से जाना होगा, संजय ने अनन्या की ओर देखते हुए कहा। अर्पिता को इग्नोर करते हुए उसने अनन्या को अपनी गोद में उठाकर वो ऊपर जाने लगा। उस रूम में सन्नाटा छा गया। सिर्फ साक्षी के चेहरे पर राहत दिखाई पड़ रही थी। मिस्टर संजय, क्या आपको पछतावा महसूस नहीं हो रहा? अर्पिता ने वापस संजय को रोकते हुए कहा। अर्पिता ने साक्षी की ओर देखा। उसने पास ही रखे एक कॉफी टेबल पर से पानी का गिलास उठाया, उसके चेहरे पर पूरा पानी का ग्लास बेरहमी से फेंक दिया। आह, अर्पिता, क्या तुम पागल हो? साक्षी ने शॉक में आकर अर्पिता को कहा। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्पिता इतने लोगों के सामने उसके मुंह पर पानी फेंक देंगी। गर्म पानी ने साक्षी के मेकअप को मिनटों में उतार दिया। संजय के गुस्से और अनन्या के रोने के साथ उस दृश्य को देखना अब किसी डरावनी फिल्म को देखने से कम ना था। ये पानी का ग्लास मैं तुम्हें लौटाती हूँ, बेहतर होगा तुम मुझे ना ही मिलो, वरना जब जब तुम मुझे दिखोगी मैं हर बार तुम पर इसी तरह पानी फेंकूंगी। अर्पिता ने अपने हाथ में पकड़े हुए पानी के ग्लास को टेबल पर रखा। फिर वो वहाँ खड़े लोगों की तरफ देखते हुए वहाँ से जाने लगी। नौकर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अर्पिता, तुम्हारी आज की सैलरी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह किसी डॉक्टर को अपने बॉस के इलाज के लिए हायर कर लो, दिमाग खराब है शायद उनका। दिमाग खराब है? वहां खड़े सारे लोग हक्के बक्के रह गए, यहां तक कि वो नौकर भी अपनी बात कहते कहते रुक गया। वो तो ये भी भूल गया कि वो कहना क्या चाह रहा था और बस अर्पिता को जाते हुए देखने लगा। अर्पिता मित्तल हाउस से बाहर निकल आई। बाहर खड़ी वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। वो पीछे मुड़ी और उस आलिशान बंगले को देखने लगी। मिस्टर संजय, आपको आपका कम दिमाग मुबारक हो जो कि सही और गलत में फर्क नहीं देख सकता। मित्तल फैमिली जरूर आपके हाथों बर्बाद हो जाएगी। वो बहुत गुस्से में थी। वो इतनी हर्ट थी कि उसे वो दर्द अब अपने बॉडी में महसूस होने लगा था। अर्पिता अपने गुस्से में रोड के किनारे कैब के इंतजार में खड़ी हो गई, लेकिन जब उसे अनन्या का ख्याल आया जो उसके जाने पर इतनी रो रही थी और वापस मित्तल हाउस की ओर देखने लगी, उसे साक्षी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसके जाने के बाद वो अनन्या का अच्छे से ख्याल रखेगी। इस ख्याल के आते ही नौकरी छूट जाने का गुस्सा अचानक से चिंता में बदल गया। उसी समय उसने अपने चेहरे को मारते हुए कहने लगी, अर्पिता,
ख्यालों से बाहर आओ। इस वक्त तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो और यहाँ तुम रहम दिल नहीं बन सकती। संजय अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो साक्षी को कभी भी उसे तकलीफ पहुंचाने नहीं देगा, लेकिन अर्पिता के लिए, जो कि नौकरी के पहले दिन ही नौकरी से निकाल दी गई थी, बेहद बुरी बात थी। वो भी तब जब उसने प्रिया को अपनी नौकरी की खुशखबरी दे दी थी। वो उसे ये सब कैसे समझाएगी? क्या उसे ये कहना चाहिए संजय एक पागल इंसान है और उसके घर में काम करना काफी डेंजरस है? क्या संजय बहुत बेवकूफ है और उसे सही गलत की बिल्कुल भी समझ नहीं है? नहीं नहीं, प्रिया ये सब सुनकर मानने वाली नहीं है, उल्टा वो तो चिढ़ जाएगी। सबसे पहले उसे अपने सबसे बड़े क्रेडिटर को इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि उसके पास एक अच्छी नौकरी है जिसकी सैलरी भी काफी अच्छी है। अर्पिता ने जल्दी ही वहां से एक कैब ली और धीरे धीरे मित्तल हाउस उसकी नजरों से गायब हो गया। मित्तल हाउस मास्टर बेडरूम के अंदर अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ संजय अनन्या को लेकर बैठा हुआ था। बहुत देर तक रोने के बाद वो आखिरकार चुप होकर संजय की गोद में ही सो गई थी। उसका छोटा नाजुक चेहरा रो रोकर मायूस हो चुका था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में इतनी तकलीफ हो रही है कि वो सांस भी नहीं ले पा रही हो। अनन्या संजय के साथ 2 सालों से रह रही थी, पर वो कभी इतना नहीं रोई थी जितना वो आज रोई। उसने मुश्किल से अर्पिता के साथ एक दिन बिताया होगा। अर्पिता का नाम ख्याल में आते ही संजय को वापस गुस्सा आने लगा। उसे वो सब बातें याद आने लगी जो उसने हॉल में की। साथ ही साथ उसके दिमाग में अर्पिता और अनन्या का साथ में खेलते हुए वक्त भी याद आ गया, जब अर्पिता अनन्या की ड्रेसिंग चेंज कर रही थी। वो वक्त काफी अच्छा था और देखने में खूबसूरत भी। उस वक्त उसके दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था। उसने वो मेडिसिन बॉक्स गीला नहीं किया था, ये वो काफी अच्छे से जानता था। मुझे प्यारी दीदी चाहिए, नहीं बैड डैडी। उसकी गोद में सोई अनन्या कुछ बड़बड़ाने लगी। अपनी नींद में भी वो संजय का शर्ट पकड़े सिर्फ और सिर्फ अर्पिता की ही बात कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे पर वो आंसुओं के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। उसका ये सब कहना संजय को काफी बुरा लगा। उसकी लिटिल प्रिंसेस, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वो भी उसे अब बुरा मानने लग गई थी, बैड डैडी कहने लग गई थी। बॉस, जो कि लिटिल प्रिंसेस सो चुकी है, क्या मैं उसकी नैनी को कह दूं कि वो उसे उसके रूम में ले जाए? असिस्टेंट ने संजय से सावधानी पूर्वक पूछा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आज मेरे कमरे में सोएगी, संजय ने अनन्या की ओर देखते हुए कहा। वो छोटी बच्ची फिलहाल काफी गुस्से में थी। अगर अभी उसकी नैनी को उसके सामने लाया जाता तो शायद वो संजय से कम 1 महीने के लिए बात नहीं करती। संजय ने अनन्या से सर पर हाथ रखा, फिर उसे बेड पर सुलाते हुए उसे देखने लगा। संजय ने वॉशरूम से एक टॉवल को गीला करते हुए अनन्या के चेहरे पर लगे आंसू के निशान पोंछने लगा। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए अर्पिता का चेहरा भी उसकी नजरों के सामने आ गया। किसी बात से उसे ऐसा लगा कि अनन्या का जिद्दी चेहरा भी बिल्कुल अर्पिता जैसा ही था। जब वो अपने ख्याल से बाहर निकला तो उसे उसका वो एटीट्यूड याद आ गया। संजय की नसें कसने लगीं। वो अर्पिता के टच को महसूस कर पा रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने वो सब बातें याद की। नजरअंदाजी। आधी रात में भी मित्तल हाउस जगमगा रहा था। उस परिवार का फैमिली डॉक्टर अनन्या का चेकअप करने आया हुआ था। अनन्या काफी इमोशनल हो गई थी और बेहद उदास है। उनकी चोट पर इन्फेक्शन भी हो गया है, लेकिन मैंने उनकी ड्रेसिंग चेंज कर दी है। बात बस यही है कि वो बुखार से कांप रही है, पर फिर भी उन्हें दवाई नहीं लेनी है, हमें उनका बुखार कम करने की कोशिश करनी होगी। डॉक्टर बेड पर से उठा और काफी सीरियस चेहरे के साथ सबको अनन्या की कंडीशन समझाने लगा। मैं उसे खिलाऊंगा। डॉक्टर की बात सुनकर संजय ने अनन्या की मेडिसिन उठाई और उसे बेड पर से उठाकर खिलाने लगा। उस छोटी बच्ची को अपना माथा काफी गर्म होता नजर आया और वो अचानक से नींद में से उठ गई। अनन्या, देखो तुम बीमार पड़ गई हो, चलो अपनी दवाइयां खा लो।
संजय उसे प्यार से कहने लगा, मेडिसिन नहीं चाहिए, प्यारी दीदी चाहिए। अपने छोटे से मुंह से बोलते हुए वो संजय की ओर देखने लगी। अपनी प्यारी दीदी को खो देने के ख्याल से ही वो बहुत उदास होने लगी और उसे रोना आ गया। ऐसे तेज बुखार में भी उसे अर्पिता की याद आ रही है। अर्पिता ने इस पर ऐसा क्या जादू कर दिया है? तुम पहले ये मेडिसिन लो, जब तुम्हारा बुखार कम हो जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। संजय ने उसके मासूम चेहरे को देखते हुए, जो कि पल पल आंसू बहाए जा रहा था, उसे समझाते हुए कहा। संजय की आंखें उसकी अनन्या के लिए चिंता साफ बयान कर रही थी। उसकी आवाज भी धीमी पड़ चुकी थी। मुझे नहीं पसंद डैडी, प्यारी दीदी नहीं तो मेडिसिन भी नहीं। अनन्या ने गुस्से में कहते हुए संजय को अपनी ओर से दूर हटा दिया। उसने खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। वो संजय की ओर देखना भी नहीं चाहती थी। इस बार वो सच में काफी गुस्सा थी। उसने खुद को इस तरह ब्लैंकेट में छुपा लिया था जैसे कि कोई गाय का बच्चा खुद को छुपाता है। मिस्टर संजय, अनन्या की बॉडी पर अभी भी घाव भरे नहीं है, उसे मेडिसिन लेनी ही होगी। डॉक्टर ने अनन्या की हालत को समझाते हुए संजय को कहा, आपको क्या लगता है, क्या मैं नहीं चाहता कि वो मेडिसिन में ले ले? संजय फिर से अपनी रूढ़ आवाज में डॉक्टर को कहने लगा। ये उसकी लिटिल प्रिंसेस थी, किसी से भी ज्यादा उसकी इस हालत को देखकर उसे दर्द होता, लेकिन वो अपनी बेटी को अच्छे से जानता था। अनन्या में कोई बुराई नहीं थी, बस उसकी यही एक बुरी आदत थी कि बीमार पड़ने पर वो दवाइयां लेने से मना कर देती थी। पहले जब बाकी लोग उसे दवाइयां देने में नाकाम हो जाते तो वो सिर्फ संजय की बात सुनती थी, लेकिन इस बार वो संजय से भी गुस्सा थी क्योंकि उसने अर्पिता को घर से बाहर निकाल दिया था। इस बार तो संजय भी कुछ नहीं कर सकता था। क्या उसे उसकी लिटिल प्रिंसेस नजरअंदाज कर रही थी? उसे आखिरकार नजरअंदाज किया जाना समझ में आ रहा था। मिस्टर संजय, क्या मैं कोशिश करके देखूं? साक्षी दरवाजे के पास खड़े सब कुछ देख रही थी। जब उसने देखा कि संजय भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो अचानक से बोल पड़ी, अर्पिता को उस घर से निकालना आसान नहीं था, वो उसे वापस आने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। फिलहाल कोई भी अनन्या को दवाई लेने के लिए मना नहीं पा रहा था। अगर साक्षी अनन्या को दवाई लेने के लिए मना लेती तो अर्पिता के आने की भी सारे रास्ते बंद हो जाते और वो संजय के गुड बुक्स में भी आ जाती। ये सोचकर साक्षी एक्साइटमेंट में आ गई। वो अपना ग्रैंड फ्यूचर सामने देख पा रही थी। तुम? संजय ने उसकी आवाज सुनी और फिर उसे याद आया कि वो भी वहां पर मौजूद है। उसे साक्षी की ओर अजीब तरीके से देखा। संजय की बात सुनकर साक्षी ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले कई सारे बच्चों की देखभाल की है और मैं उन्हें मनाने के कई रास्ते जानती हूँ। शायद मैं अनन्या को दवाई लेने के लिए मना लूंगी। मिस्टर संजय, हम साक्षी को एक मौका तो दे सकते हैं। अनन्या का जल्द से जल्द मेडिसिन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर ने उसे याद दिलाते हुए कहा। संजय साक्षी की ओर अपनी गहरी आंखों से देखने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ पाना नामुमकिन था। ना उसने हाँ की, ना ही ना कहा। उसकी एक चुप्पी को हाँ समझते हुए साक्षी आगे बढ़ गई ताकि वो खुद को संजय के आगे प्रूव कर पाए कि वो काफी अच्छी नर्स है और उसे अर्पिता को निकाल देने का पछतावा ना हो। अनन्या, मैं साक्षी दीदी हूँ, हम मिले थे? चाहे तो सिर्फ अर्पिता। साक्षी ने ये जब अनन्या से कहा, उसने देखा कि अनन्या अपना चेहरा ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकाल रही थी। उसका चेहरा बुखार से लाल दिखाई पड़ रहा था। वो साक्षी की ओर देखने लगी। ये देखकर सब शौक रह गए थे। साक्षी को भी लगने लगा कि वो अनन्या को मनाने में कामयाब हो चुकी है। अगले ही पल वो अपने छोटे होठों के साथ कुछ कहने लगी। अनन्या रोने लग गई थी। उसे रोता हुआ देखकर कमरे में मौजूद सारे लोग परेशान हो गए। साक्षी अनन्या से कुछ कह पाती इसके पहले ही अनन्या रोते हुए संजय के पास चली गई।
वो किसी बहुत दुखी बच्चे की तरह संजय को लिपटकर जोरों जोरों से रोने लगी। ये बहुत स्केरी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यारी दीदी चाहिए, मैं प्यारी दीदी के बिना मर जाऊंगी। नॉनसेंस। अनन्या की ये बात सुनकर संजय का दिल टूट सा गया और उसने कसकर अनन्या को गले लगा लिया। जब तक डैडी तुम्हारे साथ है तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं प्यारी दीदी के बिना रोते हुए मर जाऊंगी। अनन्या अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों से आते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। कुछ देर चुप होने के बाद अनन्या के आंखों से वापस आंसू बहने लगे। तुम सब लोग अभी तक यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और उस अर्पिता को ढूंढो। बॉस, इसका मतलब आप अर्पिता को वापस घर में आने देंगे और अनन्या का ख्याल रखने देंगे? नौकर ने हैरान होकर संजय से पूछा। संजय ने उसे घूरते हुए कहा, अब और रास्ता ही क्या बचा है? तो क्या वो अपनी लिटिल प्रिंसेस को दर्द में यूं ही मरने देता? जी जी, मैं उसे जल्दी ही फोन करके वापस बुलाता हूँ। नौकर ने जैसे ही संजय की बात सुनी वो मुड़कर जल्दी में हॉल की तरफ भागा और अर्पिता को फोन करने लगा। कमरे का माहौल नौकर के जाने के बाद शांत दिखाई पड़ रहा था। ये पता चलने पर कि अर्पिता वापस आ रही है, अनन्या ने रोना बंद किया। वो अचानक से चुप हो गई है, उसके चेहरे पर आंसू के निशान अभी भी थे। वो संजय की गोद में जा बैठी और कहने लगी, गुड डैडी। संजय अपनी प्यारी बच्ची की तरफ देखने लगा, जिसका मूड अभी अभी तूफान से बदलकर किसी अच्छे दिन में तब्दील हो गया हो। वो आगे बढ़ा और उसने अनन्या को गले से लगा लिया। पहले मेडिसिन लो तुम। नहीं, मैं चाहती हूँ कि अर्पिता दीदी ही मुझे मेडिसिन खिलाए। अनन्या ने संजय को गले लगाते हुए प्यार से कहा। जब तक वो अर्पिता को नहीं देखती वो मेडिसिन लेने वाली नहीं थी। उसे डर था कि अगर वो मेडिसिन ले लेती तो संजय शायद अर्पिता को वापस ना आने देता। संजय को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और वो अनन्या की ओर देखने लगा। नौकर से बात करो, अर्पिता को जल्द से जल्द यहाँ पर आने को कहो। एक सिंगल अपार्टमेंट में अर्पिता का गुस्सा अब नींद में तब्दील हो चुका था। वो अपने कमरे में जाकर बेड पर सो गई। खैर, वो सो तो नहीं पा रही थी, सिर्फ करवटें लिए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में गुस्सा है या उसे अनन्या की फिक्र हो रही है। आधी रात के बाद उसे नींद आने लगी। डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग। डोरबेल बार बार बजने लगी। ये क्या समय है, मैं इन लोगों की कंप्लेन कर दूंगी इतनी रात को डिस्टर्ब करने की। अर्पिता ने गुस्से में दरवाजा खोला। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो दंग रह गई। उसके सामने संजय मित्तल का नौकर और बॉडीगार्ड खड़े थे। उनके चेहरे पर काफी सीरियस लुक था। अर्पिता उन्हें देखकर कांपने लगी। क्या वो कोई सपना देख रही थी या उसके सामने भूत आ चुके थे? मिस अर्पिता, एक मुसीबत आ गई है। हमें आपका एड्रेस आपके दिए रेज्यूमे से मिला, इसलिए हम यहाँ आपको वापस लेने आए हैं और यहाँ इसी उम्मीद से आए हैं कि आप मित्तल हाउस वापस आकर लिटिल प्रिंसेस का ध्यान रखेंगी। नौकर सिर झुकाकर अर्पिता से बात करने लगा। वापस लेने आए हैं? अर्पिता सोच में पड़कर हैरानी से पूछने लगी।